अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहली दफ़ा लाइव हो रहा हूँ। कुछ मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं भी लाइव आऊँ, तो लाइव आया हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकूँ। तो अगर किसी का कोई एसईओ के रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्या बताऊं यार, बुरे वक्त पे लोगों ने कहा है। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? पहले वो कंफर्म कर दें। हाँ, हुडी नहीं उतारी जा सकती यार। यार एक तो बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा जी, क्या होता है? इस्लामाबाद की बुरी हालत यार। काफी लोग हुड उतारने का कह रहे हैं, जो कि नहीं उतारी जा सकती, क्योंकि नहीं सर जी, डॉग अपने नहीं है वैसे, ये स्ट्रीट के डॉग। तो हाँ, बस कुछ ऐसे ही सीन है। हामिद साहब, हामिद साहब। अच्छा, एडसेंस के बारे में मेरा पर्सनल ख्याल यही है कि एफिलिएट करें, क्योंकि एडसेंस का स्कोप बहुत कम है और उसमें बैन हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। एडसेंस वेबसाइट्स जो हैं वो सेल भी काफ़ी अच्छी प्राइस पे होती हैं, जैसे 10-20 आपके लिए जिंदा मिसाल। सर साहब की हालत है बस, ये भी अभी जैसे लाइव आया, अगर थोड़ी देर होता तो। अरबाज साहब, बात यही है। अच्छा, पवन कुमार साहब का क्वेश्चन है कि गूगल एडल्ट कंटेंट को किस तरह हैंडल करता है। तो इसके लिए वो उन्होंने एक फिल्टर भी बनाया हुआ है, उनके स्पेशल अल्गोरिथम्स भी हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सा एडल्ट कंटेंट है। आपने शायद वो सेफ्टी के बारे में देखा होगा, उनका एक स्पेशल ऑप्शन है सर्च में। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा आता है वो तो media.net। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अभी पहली दफा कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ पड़ा, पहले कभी किए नहीं। नीच रिसर्च को पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, लेकिन अब हम इसे और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। न्यू सीरीज है इसमें।
माइक्रो नीच वो तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है, मतलब आपकी ज्यादा माइक्रो है जो उसके रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे फाइंड करने पड़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम महबूब साहब, थैंक्स। अनस साहब, स्किल्स एकेडमी के ऊपर दो कोर्सेज हैं, एक मेरा अपना कोर्स भी है जो कि काफ़ी अच्छा जा रहा है, यानी कि साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, और एक वो दूसरे टीचर का भी है। स्कीमा के ऊपर बिलाल साहब मैंने एक पूरी सीरीज बता दी है, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दी है। यार क्या बताऊँ, आज बहुत बुरी हालत है, मतलब कोई प्लान नहीं था, लोगों ने पोस्ट कर दी तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ। मोनिटाइज हो जाता है रिबोट वॉइस से, लेकिन उसकी वो मैंने देखा बहुत ज्यादा लोगों के चैनल बैन हो जाते हैं उससे, वो कहते हैं कि आप कंटेंट को रीयूज कर रहे हो। अच्छा जी भाई, कुछ क्या यार, इधर खिड़की है, अब खिड़की से तो नहीं ना कोई चीज मार सकता, इतना ही बालकनी से अब कोई चीज कुछ क्या। अच्छा जी, थैंक्स अरबाज साहब, हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी मेरी एक सीरीज पेंडिंग है, इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की है, मतलब लोगों की लीड्स वगैरह लेने के ऊपर, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाई जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग इंशाल्लाह करेंगे, जो न्यू सीरीज शुरू हुई है उसमें, और टिप्स उसकी यही होती हैं कि मतलब आप ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। जो लोग एफिलिएट करते हैं वो तो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि आप फोकस करें ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, गूगल एडसेंस के ऊपर आजकल थोड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैंने खुद कुछ वेबसाइट्स पे अप्लाई किया है। 3.0 SEO दैट वर्क्स मैंने अभी तक देखा नहीं है, 2.0 देखा था, वो काफ़ी अच्छा था, मतलब बैकलिंक्स के काफ़ी न्यू चीज़ें थी उसमें। बस मुकीम साहब क्या बताएं आपको, टाइम पास भी तो करना है ना। PNG वेबसाइट से वही मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी कि मतलब ट्रैफिक के सोर्सेज वगैरह, उसको या तो आप पिंटरेस्ट पे शेयर वगैरह करके ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या फिर उसे किसी तरीके ब्रांड बनाएं। अच्छा, वो जो मैंने टोरेंट शेयर किए थे उसका सबसे बड़ा मसला ये बना है कि वो प्राइवेट ट्रैकर्स थे तो उन्होंने वो ब्लॉक कर दिए हैं, इस वजह से अब वो डाउनलोड नहीं हो रहा। सोलो एड्स के बारे में काफ़ी रिसर्च किया लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने प्लान बनाया हुआ है ट्राई करने का। DR कैसे इंक्रीज करना है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स टेस्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब कि उनसे काफ़ी आसानी से हो जाता है। थैंक्स शुएब साहब, और किस चीज के लिए, मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर देख लूँ आपका क्वेश्चन वो मिल नहीं रहा जो आपने पूछा था। पवन साहब किस चीज का सोच जाना चाहते हैं जी, इंशाल्लाह करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल आ जाए तो फिर इंशाल्लाह रोजाना ही करेंगे। पेपाल का हल मैंने जो देखा है वो इसके लिए वो सनी अली पाइस, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं पेपाल के ऊपर, आप इसके लिए वो एक LLC आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, उससे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देते हैं, उनसे आप वेरीफाई करवाते हैं। एहतिशाम भाई, वो आज मैं इसी चीज़ के ऊपर ग्लेन अलब का देख रहा, वो कह रहा था कि यानी कि ना गूगल परफेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें पता नहीं चलता, इसके लिए उन्होंने वो वेब स्पाम टीम रखी हुई है, वो मैनुअली चेक करती है इन चीज़ों को, और वो मैनुअल पेनल्टीज भी लगाते हैं,
एड ब्रेक ऊपर इस ये जो ट्रेंड बेस्ड चीजें होती हैं ना, एड ब्रेक वगैरह, इनसे अभी तक तो दूर ही हैं। इसका जो बेहतरीन नजर में हल है, जो मैं भी रिसेंटली करता था, जिससे लाखों में रीच ली जाती, वो ये कि आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर वीडियोस पोस्ट करें, फिर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शेयर करें। अमेज़न प्रोडक्ट इस तरह यूज की जाती है कि उसके ऊपर आर्टिकल लिखवाया जाता है, वो आप अपने राइटर से भी लिखवा सकते हैं। एडसेंस के लिए साइट, एडसेंस का तो नहीं पता, लेकिन एसईओ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब इसमें वो हमें कहते हैं कि आपने, मतलब अगर आप H1 हेडिंग है तो उसके नीचे आप H5 नहीं रख सकते, मतलब उसको एक तरतीब वाइज करना होता है। H1 के बाद H2 आए, H2 के बाद H3 आए। बायर्स की ईमेल कैसे एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट आप कहाँ से करना चाहते हैं, वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फैचू आदल साहब, वो रैंक होता नहीं है असल में, पेनल्टीज लग जाती हैं और प्योर स्पाम की मैनुअल पेनल्टी लग जाती है, इस तरह की चीजों से दूर ही रहना चाहिए। एफिलिएट आर्टिकल राइटिंग टिप्स, वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था लिखना, तो सबसे बेहतरीन जगह मेरी नजर में यही है कि आप वो जो प्रोडक्ट है अमेज़न की, वहां पे जाएं और नीचे जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी, मतलब जो लोग अपने रिव्यूज देते हैं, वो बहुत लंबे, 4-4 5-5 हज़ार के वर्ड्स के होते हैं, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं। वो प्रोज एंड कॉन्स भी बताते हैं और भी बहुत सी चीजें। टाइम मैनेजमेंट का ये तो मुझे भी नहीं पता चलता, बस कभी इधर जा रहा होता हूँ, कभी इधर, कभी दिमाग में ख्याल आता है एक्टोरियल बनाने चाहिए, तो भाग के उधर कंप्यूटर की तरफ दौड़ता हूँ एक्टोरियल बनाने के लिए, फिर जब वर्क करना होता है फिर लैपटॉप की तरफ भागता हूँ, बस ये इस तरह करके। मेरे छोटे भाई हैं, वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं टाइम मैनेज करने में। हाँ बस अहमद साहब, क्या बताएं आपको, अच्छी बात है। शुएब साहब, बहुत ज्यादा स्कोप है, मेरे 3 भाई हैं जो वेब डेवलपर भी हैं। अच्छा के साथ वीडियो राइटिंग, हाँ जी कोई इशू नहीं है, वो आप किसी भी नीच पे चाहें तो दे सकते हैं। कासिम साहब, एक्सपायर डोमेन 301 के बारे में जो आप जानना चाहते हैं वो कमेंट कर दें, कोर्स का तो कुछ नहीं कह सकते। तनवीर साहब से अभी हमारी बात चल रही है, उन्होंने रिसेंटली हमें कहा था कि कोई थोड़ा वायरस का इशू सोल्व हो ले तो फिर करते हैं, मैं उनसे दोबारा रब्ता कर सकता हूँ। हाँ जी तैयब साहब पूछें, अलीम भाई, हाँ जी एंकर टेक्स्ट से मतलब वो ये जो नॉर्मल होता है एंकर टेक्स्ट के बारे में, जो ज़्यादातर ऐसे उसे रेकमेंड करते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स का देखें कि उन्होंने किस तरह का फ्लो, किस तरह उन्होंने रखा हुआ है, कि वो नेक यूआरएल कितने हैं, परसेंटेजेस आप उनके देखें। इसके लिए आप एचरस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नहीं सर साहब, कोई मसला नहीं आता एडसेंस अप्रूवल में एक्सपायर डोमेन पर। अच्छा ये टायर का चक्कर मैंने चेक किया था एक दफ़ा और मुझे इसका कोई खास इतना समझ नहीं आई कि ये मतलब इफेक्ट करता है या नहीं। मैंने यानी काफ़ी Web 2.0 के ऊपर कमेंट्स की थी और इस तरह करके। वकास साहब, अब हमारा खुद रिप्लाई नहीं देते, बहुत शरीफ मान गए हैं। उसामा साहब का सवाल है, सर एफिलिएट साइट बेहतर रहेगी या दूसरी बिगनर? एफिलिएट जो, अगर एफिलिएट में ये है कि आपको, मेरी नज़र में आपके पास या तो आप अच्छे राइटर खुद हों या फिर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वजीहा मलिक ने पूछा है, 3 साल की होस्टिंग वो लगभग 24,000 की मिली थी मुझे। एक्सपायर्ड डोमेन्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, वैसे मैं तो पर्सनली नेमचीप यूज़ करता हूँ। गो डैडी कभी भी ना यूज़ करें, कभी भूल के भी ना यूज़ करें, वो आपकी वेबसाइट और चीज़ चोरी कर लेंगे। अच्छा हाँ जी फैसल साहब, आपने सॉरी कौन सा क्वेश्चन किया था? प्रणव शुक्ला साहब ने क्वेश्चन किया है कि अमेजोन इमेजेस को किस तरह यूज़ करना है।
आर्टिकल में तो उसका सही तरीका ये है कि आप उन्हें डाउनलोड करें, उन्हें ऑप्टिमाइज करें, उनका ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करें, फिर उनका जो प्रोडक्ट का नेम है वो फाइल नेम रखें। अच्छा, ये तैयब साहब बार बार कह रहे हैं कि वकास के बोलो मेरे 9,000 रुपये वापस कर दे। भाई मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, बड़ा खतरनाक बंदा हो गया आजकल वो, बैंक वाले रुपीज रिटर्न करते हैं। ये आर अली के सवाल की मुझे समझ नहीं आई, मेरे पेपाल को बैंक वाले रुपीज रिटर्न करते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो मैं किस तरह बाय करके सेल कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स माइंड में रखना चाहिए? पाकिस्तानी जो आजकल सेल कर रहे हैं वो तो आजकल डीए बहुत ज़्यादा आवाम देखती है, तो डीए आप देखें, उसका वे चेक करें और उसका डीआर वगैरह भी देखें। तैयब साहब स्पामिंग इतनी ज़्यादा ना करो मेहरबानी, नहीं तो बैन कर दूंगा, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, एक पेयोनीर कार्ड से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमेजोन साइट ऐड की जा सकती है? मेरे ख्याल से तो कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी चाहें। अब मैंने भी 3 कनाडा, यूएसए, यूके वगैरह ऐड की। बिगनर्स के लिए मैं अब पूरी कोशिश करता हूँ, मतलब अब इससे ज़्यादा बिगनर के लिए तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो स्किल्स अकेडमी पे ऑलरेडी कोर्सेज हैं वही आप देखें। वसीम और रहमान साहब, इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप मोज, जितने भी ये बड़े एसईओ टूल्स हैं, इनके रिवॉर्ड्स के नाम ढूंढें और उन्हें rewards.txt फाइल से ब्लॉक कर दें। वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इन सब के नाम मिल जाएंगे। एफिलिएट के लिए कॉपी कंटेंट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एफिलिएट फॉर अमेजोन के लिए कोई अच्छा सा कौन सा नेक्स्ट कर दें? अच्छा, अमेजोन एफिलिएट के लिए एक 3 कोर्सेज हैं मेरे जहन में। सबसे पहले तो वो AMZ वालों का है, उसका लिंक मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया है, और एक दूसरा वो पाकिस्तानी टीचर का है, उनका नाम बार बार मेरे दिमाग से निकल जाता है, काफ़ी नाम तो अच्छा सही है लेकिन फिर भी। तो वो आपको स्किल्स अकेडमी में पढ़ा हुआ, वहाँ आप ले सकते हैं। ब्रदर वो मनोज साहब, मेरे ख्याल से तो वो आपके अटैचमेंट का इशू है, वो असल में आप एग्जैक्ट पूरा इमेज के यूआरएल डी इंडेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपने नहीं करना होता क्योंकि वो गूगल इमेजेस में होता है शो। तो आपने आपने जो अटैचमेंट का यूआरएल है उसे गूगल से कॉपी करके स्क्रैपर को यूज़ करके तो आपने उसे डी इंडेक्स करना है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मतलब बंदे का लिखने का तरीका देखना पड़ता है कि वो हाई लेवल का है, उसके ग्रामर चेक करनी पड़ती है, उसके स्पेलिंग चेक करने पड़ते हैं, उस्मान, मोहम्मद उस्मान शाह साहब, और उसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि वो कहीं से कॉपी वगैरह तो नहीं कर रहा या स्पाम ना हो। वालेकुम अस्सलाम अहमद हसन, ओल्ड वेबसाइट पर। अच्छा, 301 रीडायरेक्ट, इसके बारे में कोई इतना खास तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से कोई सैंड बॉक्स वेबसाइट बाहर निकल जाए ना तो फिर करना चाहिए, क्योंकि सैंड बॉक्स में वो आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर नजर रखते हैं ब्रदर। अच्छा वकास यार, ये तो बहना ये नहीं बंदा बन रहा बार बार। शुक्र है छोटे भाई, जो भाई साइट गेटिंग रैंक बट एडसेंस नहीं मिल रहा, एनी सजेशन? एडसेंस के ऊपर मैं एक दोबारा वीडियो बना दूंगा, और इसके ऊपर मैं आजकल खुद टेस्टिंग कराऊँ कि ताकि लोगों को एक अच्छा सा तरीका आसान सा बता सकें। मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि अच्छी अच्छी थीम और ट्रैफिक आ रही हो, और कंटेंट जो है वो भी लेंथी हो, और इमेजेस जो है वो भी यूनिक हो, मतलब कहीं से कॉपी ना की हो, अगर कॉपी की हो तो बहुत ब्रांडिंग की हो। प्लीज़ इस पर नज़र ना कीजिए, एसईओ में जो चीज़ें होती हैं उनके लिए इस पर नज़र ना। हाँ जी, वो मैंने एसईओ की सीरीज़। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं टायर बैक लिंकिंग का के बारे में, जो सबसे बेहतरीन आपको बंदा बता सकता है उसका नाम है सामा ऐसे, वो हमारी एडमिन टीम का मेंबर भी है, तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। भाई क्या बताऊँ अब, ये उड़ी
लोग बार बार ज्यादातर उसकी बातें कर रहे हैं। हाँ जी, टायर बैकलिंकिंग के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए तो इंशाल्लाह करेंगे सर। अमेजोन अफिलिएट के बगैर वेबसाइट के बगैर, हाँ जी, यूट्यूब के ऊपर भी किया जा सकता है। सबसे पहले सेल जो मैंने की थी वो फेसबुक ग्रुप के ऊपर की थी। मतलब मैंने इस तरह किया था कि यूट्यूब से एक एफिलिएट प्रोडक्ट अनपैकिंग की वीडियो डाउनलोड करके तो उन्हें उन्हें शेयर किया था फेसबुक पेज पे, और फेसबुक पेज से उन्हें आगे गेमर्स के ग्रुप में शेयर किया था। अच्छा, वेलकम साजिश, टीचर कौन है? मैंने अपने सारे टीचर्स की लिस्ट शेयर की थी वैसे थोड़े दिनों पहले ही। जो सबसे पहले मेरा टीचर था अब्दुल वली नाम था उसका सर, लेकिन अब उन्होंने टीचिंग छोड़ दिया, आजकल वो ट्रेवल व्लॉगर है। अच्छा, एफपी या लिंक्डइन से कैसे? लिंक्डइन के ऊपर तो मेरा एक टूल भी है, लिंक्डइन ईमेल एक्सेप्टर, वो आप चेक कर सकते हैं। एडसेंस अप्रूवल का वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि यानी कि 30 आर्टिकल हो और अच्छी थीम हो, ट्रैफिक आ रही हो और बेसिक पेजेस हो, इंडेक्स हुए हुए हो, स्पीड वगैरह भी अच्छी हो तो काफी अच्छे चांसेस होते हैं अप्रूव होने के। सोलो एड्स का अभी तक तो कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इसके बारे में काफी लोगों से बात की है। ब्लॉग कमेंटिंग काफी अच्छी चीज है, अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे तो इससे आपका जो ब्लॉग का ऑनर होगा उसके ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मतलब कल को अगर आपको उससे बैक लिंक वगैरह भी लेना पड़ा, गेस्ट पोस्ट करनी पड़ेगी, तो वो आपको मना नहीं करेगा, मतलब आपका उसके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा। अच्छा जी, अगर न्यू बाई के लिए बेहतर तो यही है कि वो खुद सीख ले, क्योंकि एफिलिएट के आर्टिकल राइटर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और एवरेज अब मेरे राइटर भी एक वर्ड का वो 2 ढाई चार्ज कर लेते हैं। अच्छा नहीं, मनी यार, ये जो बैक लिंकिंग वाला टूल है, नहीं सर तो मैं दूर रहता हूँ, ये तो प्योर स्पाम लगता है मुझे, आज या कल ये तो पेनल्टी ज़रूर लगा देते हैं। अच्छा, थैंक यू नबील सर। मैंने क्वेश्चन किया था कि एक्सपायर्ड डोमेन्स के वे बैक क्लीन होने के बावजूद पेनल्टी के चांस होते हैं, अगर उसकी बैक लिंक प्रोफाइल जो है वो साफ हो तो फिर चांसेस कम होते हैं। मतलब इस तरह की, ये आता तो ग्रे हैट में ही है, गो डैडी वालों ने मेरी बहुत ज्यादा वेबसाइट स्कैम की है, मेरी 2 वेबसाइट्स उन्होंने चोरी कर ली थी, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता। और जितने भी गो डैडी के क्लाइंट्स आते हैं ना मेरे पास, वो इतना ज्यादा बंदा जलील होता है ना, उन्होंने अजीब अजीब से चीजें लगाई होती हैं ना, तो वो सपोर्ट देते हैं, उनकी वेबसाइट भी डाउन हो जाती है और वर्क करते करते, और फिर वो क्लाइंट्स हमें ब्लेम करते हैं जी कि ये आपने कुछ किया है, और इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा दिमाग घुमा रहता है। मनोज कुमार साहब, वैसे मैं ये रिकमेंड तो नहीं करता क्योंकि ये भी एक किस्म की स्कैमिंग है, लेकिन वो जो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। ठंड लग रहा है भाई? हाँ भाई, ठंड बहुत है। इस्लामाबाद ये पहाड़ी इलाका है और इधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यकीन करें। एडसेंस के बारे में वैसे सच्ची बताऊँ तो मैंने आज तक सेलर ही रहा हूँ, मतलब मैंने उसके ऊपर वर्क नहीं किया। अच्छा जी, अमेजोन के लिए कितना इन्वेस्टमेंट नीड होती है? वो जितना बड़ा आप उसे एक्सपेंड करना चाहिए, मैंने तो एक आर्टिकल के साथ किया था और उस पे यानी के 20-1 हज़ार लगाए थे और वो काफी मंथली देने लग पड़ा था, 20-25 हज़ार तक। सबसे बेहतरीन जो डोमेन प्रोवाइडर है वो नेमचीप है। पेपाल में कौन सी हेल्प चाहिए? मतलब मैंने तो ऑलरेडी बताया है वैसे कि आप एक कंपनी वगैरह यूएसए में खुलवा सकते हैं डिजिटल, उसके $80 चार्जेस होते हैं। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं। इनाम उल रहमान, उनका लिंक सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उनके बारे में रिसर्च करके तो ज़रूर करेंगे। वे बैक से तरी तो चेक करें, एक्सपायरी ये समझ नहीं आई वैसे, वे बैक से 3-1 रिट्रैक्ट भाई, बैच 1 पार्ट 2, वो असाइनमेंट अभी तक बताएंगे लेकिन अभी तक वो टाइम तो पूरा हो ले।
जो एच आरएफ बैकलिंक के लिए तो स्पाई ग्लास यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है। अच्छा, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही आपकी स्किल्स एकेडमी, पता नहीं नेट का इशू होगा, मैं अभी चेक करता हूँ। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल ठीक ओपन हो रही है, शायद आपके इंटरनेट का इशू है जी। मेरा एक सवाल भी लिखा है यार, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कैसे राना साहब। हाँ जी, स्मॉगर की बात कर रहा था कि उनका अभी एफिलिएट का कोर्स अच्छा है, वैसे मैंने नहीं अभी तक, लेकिन प्लान है कि टाइम देखूंगा ना ये किस तरह आप इस फील्ड में। यार मेरी जर्नी बहुत पुरानी है, ये आज से कोई 2008 में शुरू हुई थी। असल में मेरे जो भाई थे ना, वो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, और फिर किसी फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे मोटिवेशन उनको देख के, तो काफ़ी साल बाद जाके हमने भी कोई रिसर्च किया है, तो उन्होंने तो फर्स्ट अर्निंग 2011 में कर ली थी, और हमने तो आप लोगों को पता ही होगा शायद जो पुराने मेंबर्स हैं, कि 2012 में जाके की थी। अब ये जो सारा घर वगैरह है ये इस्लामाबाद में लिया, ये सारा कुछ भी बस इनकम से ही चल रहा है, लिया तो नहीं है मतलब, लेकिन रेंट पे लिया हुआ है, सारा खर्चा वगैरह इस्लामाबाद में रहना है बहुत मुश्किल है, इधर जितना भी कमा लेना खर्चे ही पूरे होते हैं बंदा कोई अय्याशी वगैरह नहीं कर सकता। अच्छा भाई, ने अपने स्वामी बैकलिंग डिस्कवर किए थे, डिस्कवर नहीं हुए। अच्छा एहतिशाम साहब डिसअवाउ, वो पता नहीं आप चेक किस तरह कर रहे हैं, अगर आप किसी एच आर एफ वगैरह को यूज़ कर रहे हैं डिसअवाउ के लिए, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिसअवाउ में वो ख़त्म नहीं करते हैं, उनको सिर्फ नो फॉलो कर देते हैं। गोल्डन रेशियो मैंने अभी तक पढ़ी है, मतलब उसको मैंने प्रैक्टिकली नहीं टेस्ट किया, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं जो स्ट्रेटजीज होंगी उनमें डिफाइन उनको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उन पे जैसे सही बात है, मतलब टाइम लग जाता है अगर सही तरीके से करें, लेकिन वो वर्थ इट होता है। अगर ऑन पेज ऐसे बंदा सही तरीके से कर ले, लो कंपटीशन हो, तो पहले पेज पे 8वें 9वें नंबर पे आ जाते हैं। स्निपेट रिच स्निपेट्स वो स्टार वगैरह आ जाते हैं नीचे हारे सर्व्स में, ये ज्यादातर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं ये सर्विस बेस उन पे होता है। अच्छा जी, हाँ जी, मैंने वैसे वो थोड़े दिनों पहले केस स्टडी पढ़ी है, एक बंदा यूज कर रहा था, लेकिन वो एक एक्सपर्ट बंदा करे तो मेरी नजर में सही ये अली चट्टा जाना अल्लाह माफ करे, बड़ी खतरनाक किस्म की कॉमेडी करता है। उस्ताद जी आप भी आ जाएं, मैंने वैसे सर अली चट्टा साहब को भी इनवाइट किया था कि ये आए और हम सबको ड्रॉप शिपिंग सिखाएं, लेकिन ये आजकल नजर नहीं आ रहे, छुपे बैठे हैं और करोड़ों को अच्छा नहीं, सर्दी नहीं लग रही असल में यार, मैंने सारे बाल शेव किए हैं थोड़े दिनों पहले ही सर के, क्योंकि अब बाहर तो निकलना नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा कि 2-3 महीने अंदर बैठेंगे। फिश स्निपेट्स के ऊपर मैंने पूरी स्कीमा के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, वो आप प्लेलिस्ट चेक करें मेरे चैनल के ऊपर जाके, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जरूर सीखेंगे। यार एडवांस एसईओ का ग्लेन एलिप का काफी अच्छा है, और रियान का भी मैंने देखा है, वो भी बड़ा एडवांस लेवल का बंदा है, तो ये दोनों देख लें। और गोच का भी एक मेरा फेवरेट टीचर्स में से एक है, आप वो भी देखें, अगर टेक्निकल एसईओ सीखनी है तो वो चेस रेनर के अलावा कोई बंदा आपको इतने अच्छे लेवल के नहीं सिखा सकता जितना प्रैक्टिकल लेवल वो करता है। एस सी ओ के स्टोर से बैकलिंक, अगर आप फाइवर वगैरह की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोफाइल बैकलिंक्स तो बंदा खरीद ले, लेकिन जो दूसरे बैकलिंक्स होते हैं वो तो आप खुद बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ जी अली भट्ट साहब, ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करें भाई, कोई सजेस्ट राइट सजेस्ट करिए। राइटर असल में मेरे पास जो वो काफ़ी हद तक कॉस्टली हैं, तो देख लें यार। उसामा साहब वालेकुम अस्सलाम, यार ये उसामा साहब चलेंगे पेंडिंग पे रहने दें। अच्छा नीच सेलेक्ट करते वक्त, यार सच्ची बताऊँ नीच के बारे में जो मेरा आइडिया है ना, मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें ना बस फिर बाद मेरा आता यही करना होता है कि अब इसमें ना कामयाब होकर रहना। अब मैंने जो रिसेंटली नीचे सेलेक्ट की है वो जर्नल टेक के ऊपर ही की है, मतलब मैं टेक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसमें जो भी चीज़ नज़र आती है ना उसके ऊपर आर्टिकल लिख देता हूँ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये माइक्रो नीचे में पढ़ जाए ना, तो वो बंदे पास को आइडियाज खत्म हो जाते हैं।
यार मेरे पास जो आइडियाज बता दिए, और मलक सजद साहब हेलो, और अच्छा जी उसामा साहब, मैं चाहता हूँ कि आप नीच पॉइंट करने सेलेक्ट करने की एक डीपली वीडियो बना दें। यार ये नीच कितना ना, सच्ची बात है, पढ़ता नहीं इनमें ना, बंदा पढ़ जाए ना तो ये सारी उम्र ही लग जानी है मेरे ख्याल से। वही मैंने बात किया ना, एक नॉर्मल सी सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वर्क भी करती है। और इसमें अब आजकल लोग ये ज़्यादा देखते हैं कि जो ज़्यादा ओबीएल ना हो, मतलब आउटबाउंड लिंक्स, जिन स्कॉलरशिप वेबसाइट्स पे काम है वहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं बैकलिंकिंग। वेबसाइट बना लें तो वो सबसे बेहतरीन है, लेकिन पेज भी, वैसे मैंने मिसाल दी कि की जा सकती है। मैंने शुरू शुरू में सेल जो है वो अपने एक फेसबुक के पेज से की थी, उसको ग्रुप में शेयर करके। अच्छा, फीचर स्निपेट के लिए वो मैंने ऑलरेडी बताया कि मतलब मेरे चैनल के ऊपर एक स्कीमा की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये बताया था कि आप कौन सा ऑल इन वन रिच स्निपेट्स, मतलब ऑल इन वन स्कीमा या ऑल इन वन इस तरह करके प्लगइन का नाम है, उसे यूज़ कर सकते हैं। वो सारा प्रैक्टिकली मैंने दिखाया था उस वीडियो में करने के। मोज बेसिकली है तो बेसिक ही, उसके बाद आप जो आपको बेहतर लगे। टीचर तो बहुत हैं, ग्लेन एलेप है और गोच भी बड़ा अच्छा टीचर है, आप उसका भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो न्यू वेबसाइट है उसकी बैक लिंक्स की स्ट्रेटजी यही होती है कि सबसे पहले हम उसके सोशल लिंक्स बनाते हैं, सोशल वेबसाइट्स पे उसको रजिस्टर करते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, वहाँ से सबसे लिंक लेके फिर उसके बाद प्रोफाइल लिंक्स बनाते हैं। प्रोफाइल लिंक्स बना के फिर उसके हम उसको डायरेक्टरीज में सबमिट करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं पेड पेड गेस्ट पोस्ट भी ले सकते हैं, फ्री के लिए आउटरीच भी कर सकते हैं। और राउंड अप के बारे में भी सोच रहा हूँ आजकल सर। न्यू प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू रन, थैंक यू फॉर नाउ साहब सर। फिर अगर वेबसाइट के बारे में कर सकते हैं तो अकाउंट बनाते हुए वो वेबसाइट का लिंक मांग। हाँ जी, आप एम हसन साहब, आप ना वेबसाइट के लिंक की जगह फेसबुक का यूआरएल दे सकते हैं। हाँ जी, पिंटरेस्ट बहुत अच्छा सोर्स है, और यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग लाखों के हिसाब से इसमें ट्रैफिक ले हैं, और ये बहुत ही आसान है। मैंने भी एक दो थोड़ा ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अच्छा यार, मैं तो अमेज़ोन के बारे में यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक जनरल नीच पकड़ें, मतलब ना माइक्रो के चक्करों में बंदा पड़ जाए ना तो वो फिर उसको कुछ देर तक तो चला सकते हैं लेकिन बाद में ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। स्पाई ग्लास के ऊपर मेरी वीडियो अभी तक नहीं है, वैसे मैंने बताया था थोड़ा बहुत उसके बारे में, मैं थोड़े दिनों तक बनाऊंगा उसके ऊपर भी। अब दो न्यू सीरीज शुरू की हैं इसको पूरा करने के बाद। अच्छा, एफिलिएट के लिए पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप कोई बड़ी नीच, यार एजुकेशन थीम मेरे ख्याल से जहाँ से मैंने की थी ना, मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने स्किल्स एकेडमी की भी नल्टी की हुई है, मतलब कि बाय करना है लेकिन थोड़े महीनों तक। और अब वो जहाँ पे पहले उन्होंने सारे रिसोर्सेज वगैरह रखे थे वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए हुए हैं। फ्री में मतलब आप ट्रायल ही यूज़ कर रहे हैं, फिर बिल्कुल फ्री तो नहीं मिलता। अच्छा, ये वैसे ना मेरे जो सबसे बेहतरीन लोगों में से जिन्हें मैं ये कंसीडर करता हूँ ना, ये सुदीप महाटू है, इन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा सालों से देख रहा हूँ, मतलब ना ये हर इशू में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है। थैंक यू यार, किसी दिन इंशाल्लाह पर्सनल मुलाकात हुई तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। हाँ जी, पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लिया है। किस तरह की सपोर्ट चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में? नेमचीप की होस्टिंग अखीर हद की बेकार है, मैंने एक दफ़ा यूज़ की थी और 5-6 दिन यूज़ करने के बाद ही तो वहाँ कर ली थी। जितनी ज़्यादा वो डाउन होती है ना, उसने मेरी रैंकिंग तबाह बर्बाद कर दी थी। फीचर स्निपेट्स के बारे में ये सवाल बार बार सवाल आ रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ भाई लोगों के, वो जो नीचे स्टार्स होते हैं, एक जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेना गूगल पे तो आपको वो शो हो जाएंगे कि वो
वैसे थोड़े दिनों पहले मैंने एक मेंबर को गिफ्ट में प्रोवाइड की थी होस्टिंग। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 डोमेन्स के गिव अवे करूंगा, और हो सका तो होस्टिंग के भी करेंगे। अब्दुल्ला खान, वैसे वो आपको बता दूं, शायद आपको पता ना हो कि साइड ग्राउंड वाले 3 मंथ की होस्टिंग दे रहे हैं $1 में। गर्मी नहीं भाई, ये और मसले मसाइल हैं। अच्छा, वेक्टर स्पेस थ्योरी के बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में अभी तक कोई पता नहीं। और राणा साहब जिंदाबाद, राणा अरसलान साहब। अच्छा, ऑन पेज, हाँ जी ऑन पेज का मैंने ना एक खुद कोर्स शुरू किया केवन डेविड का, और मैं उसके नोट्स ले रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कोर्स लगा है मुझे उसका ऑन पेज का, और बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रहा है हर चीज़। उस बंदे ने अपनी पर्सनल केस स्टडीज भी काफ़ी ज़्यादा शेयर किया, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब उस बंदे ने लोरम इप्सम के साथ बहुत हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के ऊपर रैंक किया है, और कमाल का बंदा है। मतलब उसका जो ऑन पेज एसईओ का कोर्स है, मुझे बड़ा पसंद आया। इंशाल्लाह वो सारा देख के तो फिर उसके ऊपर मैं एक डिटेल सी वीडियो बनाऊंगा। एहतिशाम साहब, मेरे ख्याल से अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें कि दोबारा गूगल डिसअवर टूल ओपन करें, और वहां पे वो शो हो जाएगा। अगर आपकी फाइल सबमिट हो गई हुई तो उधर शो हो जाएगा कि इतने डोमेन्स आपने सबमिट किए हैं और उनके इतने लिंक्स हैं। अच्छा यार, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अनवर अली का क्वेश्चन है जी, आर्टिकल राइटर सजेस्ट कर दें। ये एक जकरिया आमिर है, उसकी अपनी टीम भी है टेक के लिए, वो काफी अच्छा बंदा है मेरी नज़र में। कुछ और भी राइटर्स हैं लेकिन बस सारे नहीं शेयर किए जा सकते। अच्छा भाई, 301 रिएक्ट एसईओ के बारे में बताएं। 301 उसके बाद केस स्टडी चल रही है, मैंने 3 लास्ट टाइम बाय किए थे और मुझे ट्रैफिक बूस्ट भी मिला है एक दफ़ा तो, लेकिन वो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसी वजह से ही है। और लेकिन वो DR और DAPA, मतलब ये जो मैट्रिक्स हैं एसईओ के, वो इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। न्यू डोमेन होस्टिंग हम भी लेंगे, हाँ जी ले सकते हैं, फॉलो करें। रियान का कोर्स मेरे पास है लिंक उसका, वो मैं जो हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, शायद कुछ लोगों को ना पता उनका, लेकिन हम और ये सारे ब्लैक हैट वगैरह के काम जो है ना उधर शो करते रहते हैं, उधर ये कोर्स वगैरह शेयर करते हैं सारे। अच्छा हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर रहा था सच्ची बताऊं तो, मतलब मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि लाइव जाऊं, क्योंकि इस तरह का काम मैंने कभी किया नहीं, और इतने ज्यादा क्वेश्चन हुए पड़े थे कि अब एक बंदे ने कहा तो मैंने सोचा है कि अब आ ही जाता हूँ, मतलब लोग भी तंग आए पड़े होंगे मेरे से। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी भाई लेट हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई वैसे इतनी खास चीज़ नहीं है, लोगों के क्वेश्चन आंसर ही है तो वो कमेंट कर दें। यार असल में कोर्स वगैरह मैं कमेंट नहीं करता, क्योंकि मेरी 5-6 IDs ब्लॉक हो चुकी हैं सिर्फ इन चक्करों में। तो अब वो व्हाट्सएप ग्रुप ही सबसे बेहतरीन हाल है, वो आप ज्वाइन कर लें और वहां पे आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। पाकिस्तानी कोर्सेज के बारे में तो मुझे वैसे इतना खास पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों ने मुझे कुछ कोर्सेज सेंड किए थे सैंपल के लिए, मैंने जिन्हें चेक भी किया, तो वो काफ़ी हद तक बेसिक ही लगे हैं मुझे, उनमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं आ रही। जो कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो उसको इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे। मतलब बनाने के, यार कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग ना पोस्ट कर रहे थे कि मैं ना पेड टीचर्स के खिलाफ हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ना मुझे कोई पेड टीचर्स के साथ दुश्मनी वगैरह नहीं है। मैं तो बेसिकली, अब सनी अली सर, सनी अली जो है वो भी पेड टीचर ही हैं और बड़े अच्छे टीचर हैं, तो उनके किसी के साथ मसला नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि लोग वो मोनोपली को भी गलत मतलब में ले जाते हैं। मतलब मोनोपली का बेसिकली मकसद यही है कि एक नया बंदा जो है ना उसको मार्केट में ना रहने देना, उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको दबाने की कोशिश करना, ताकि वो फ्री में किसी को कोई चीज ना सिखा सके। तो मकसद यही है कि मतलब हर बंदे को स्पेस मिलनी चाहिए, अगर कोई बंदा को फ्री चीज शेयर कर दे तो हम चाहिए कि उसे अप्रिशिएट करें, जैसे कि सर ने भी कहा था। अच्छा यार, ये Web 2.0 को मेरे ख्याल से ना लोग ज्यादा टेंशन ले जाते हैं, इस पे इतना ज्यादा खास नहीं होता। मैंने ना लास्ट ईयर कुछ Web 2.0 की वेबसाइट बनाई थी,
जब मैं वो वन आर्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो मैंने एक आर्टिकल से भी किया था, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता, तो मैंने उसके ऊपर भी ना एक डिटेल पूरी बनानी है केस स्टडी, ताकि उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ ए टू जेड के, उसमें कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने एक वो लाइब्रेरी है स्किल अकेडमी की, वहाँ पर है सारे इफ्तिखार का एक पूरी डिटेल गाइड पड़ी हुई है इसी चीज़ के ऊपर कि वेब 2.0 किस तरह बनानी है। मल्टीपल साइट्स के लिए जो होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ, मैंने होस्टगेटर काफ़ी साल यूज़ किया, और मल्टीपल एफिलिएट साइट्स मेरे ख्याल से तो होस्टगेटर जो है ना मल्टीपल के मामले में काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये मैंने जो देखा है ये इस तरह करते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेक अकाउंट क्रिएट किए होते हैं और उसी को उन्हीं के जरिए ये कॉमेंट या लाइक कर लेते हैं, या उसी को हजार दफा शेयर करके बार बार भी करते रहे तो वो बड़े अजीब अजीब से तरीके होते हैं इनके पास। अच्छा, मैं सच्ची बताऊं तो मैंने जो पहली दफा जिस राइटर के साथ कैलिब्रेट किया था उसको मैंने तो 50% पे किया था, लेकिन 50% होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे कवर भी बहुत ज्यादा होता है, तो जितना आपको बेहतर लगे, अगर 30% तक हो तो मेरे ख्याल से काफी हद तक बेहतर है। अच्छा, media.net भी अच्छा है, टबोला के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है और वो भी अच्छा है, लेकिन वो छोटी मोटी वेबसाइट्स को अप्रूव नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी, उस्मान हैदर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट हो गया यार, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वैसे सारा कुछ नॉलेज तो वो ट्यूटोरियल्स में मिलना है, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर है क्योंकि मेरा इनबॉक्स फुल हुआ पड़ा है मैसेज के साथ और मैं किसी को आंसर नहीं दे पा रहा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ना यकीन करें मेरे अब मेरा भी काम ओवरलोड हुआ पड़ा है, मतलब वो इतना ज़्यादा फोकस हो गया कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन टाइम निकाल के ना मैं इन सबको करूँगा रिप्लाई। अब्दुल वहाब साहब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं यार। क्रैक कैंपल काफ़ी हद तक अच्छा है, मतलब मैंने एक ब्लैक हैट SEO का देखा है उसका कोर्स, मुझे थ्योरीज नहीं है काफ़ी हद तक, मुझे कोई इतनी खास चीज़ नज़र नहीं आई, मतलब एक चीज़ मैं देख रहा था, लेकिन अभी तक दूसरा देखूंगा तो फिर अपना रिव्यू दूंगा पूरे कोर्स के बारे में। अभी तक मैंने उसका आधा देखा है, वो अलग उसने कोई सेक्शन बनाया था ब्लैक हैट का। अब्दुल्ला खान, वो ना इसी चीज़ के ऊपर हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, मतलब कि एक बिल्कुल जीरो लेवल वेबसाइट को किस तरह करना है सारा कुछ। हाँ जी, 301 रीडायरेक्ट को अगर सही तरीके के साथ किया जाए तो काफ़ी हद तक सही रहता है मेरी नज़र में। रैंक में इतने फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और योस्ट भी अच्छा है, योस्ट मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, रैंक मैथ में फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं ये बात सच्ची है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यू बाइज यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और पता नहीं, मैंने भी एक दो दफ़ा यूज़ करने की कोशिश की है, मतलब समझ तो आ जाती है लेकिन ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का है, और एक चीज़ के साथ बंदा टिका होना तो दोनों में से कोई भी कर लें, रैंकिंग के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरी नज़र में। वालेकुम अस्सलाम मैम जकी साहब, जो कीवर्ड वाला पॉइंट बताया था कि स्टेट से दिए हैं वो हाँ जी, वो बात बिल्कुल ठीक है, मैंने ये खुद देखा है कि ना जो स्टेट्स होते हैं ना हमेशा ट्रैफिक जो है वो 3 गुनी होती है। अब मेरी ज़्यादातर वेबसाइट अपनी भी देखूंगा ना तो वो उसकी मंथली ट्रैफिक 3-4 हज़ार दिखाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल अगर उसको लास्ट मंथ देखा जाए तो कम से कम वो 20-25 हज़ार बनती है मंथ की, तो वो बहुत ज़्यादा कम दिखाते हैं, इतने खास अच्छे नहीं होते। लैंडिंग पेजेस हम बनाते हैं जब हमने PPC वगैरह करनी हो, तो अगर आपने PPC करनी है तो फिर लैंडिंग पेजेस बनाएं। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब, ऑनलाइन वर्क शुरू।
केविन डेविड का कोर्स, हाँ जी पेड है, होते तो सारे पेड हैं, लेकिन हमारे वो ब्लैक वर्ल्ड में सारा कुछ चलता रहता है। अमेजोन अलीम, अमेजोन एफिलिएट, मैं सच बताऊं तो मैं जो अपनी वेबसाइट है ना उसकी इमेजेस गूगल से ही लेता हूँ, या मैंने वो एक प्लगइन किया हुआ है व्यू इमेज का, उसके जरिए इमेजेस को ओपन करके, और कभी कभी एडिट करना पड़े तो वो भी कर लेते हैं। हाँ जी, वैसे मेरे पास ड्राइव के ऊपर भी पड़ा है केविन डेविड का, अगर किसी को चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। अब तो मैंने देखा ये मैसेंजर वालों ने भी पुलिस से लगा दिया, ब्लॉक कर देते हैं, लिंक नहीं शेयर करने देते हैं। अगर कर सकते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज किसी और वेबसाइट से, ये रिकॉपिंग वाला जो काम है ना, मैं ये किसी मामले में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बंदे को ना जलील कर देता है। एक्सपायर डोमेन्स के ऊपर अली चौधरी साहब, मेरी 3-4 वीडियोस हैं वो देख लें इंशाल्लाह, उम्मीद है काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे पर्सनली रिकमेंड तो मैं यही करता हूँ कि आप एक अलग अकाउंट बना लें जिनके ऊपर ये सारी वेब 2.0 रखें। वो वेब व्हाट्सएप के ग्रुप का मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है ना, उसके नीचे हम एक्सपोर्ट का सेक्शन बना के ना, तो उसके ऊपर हमारे टोटल 9 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, तो सबका लिंक उधर पोस्ट कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम सैयद मोहित साहब, ब्रदर हमजा, यार सच्ची बताऊँ तो वो मुझे उस बंदे का इतना खास पता नहीं है, लेकिन काफी दिनों से पोस्ट कर रहा है, अब बहुत ज्यादा लोग मेरे पास आए हैं कि वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा कि जो वो चीजें बताता है पोस्ट में, वो अब उस बंदे पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कोई एक दो वीडियोस देख लें, अगर अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको बता दूंगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन एक हम स्किल्स एकेडमी के ऊपर पेज बनाएंगे, उसके ऊपर नीचे कॉन्टैक्ट अस पेज है, उसके नीचे स्पोर्ट का सेक्शन मैं इंशाल्लाह कल तक लॉन्च कर दूंगा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं उधर, लेकिन जो कोई थोड़े बहुत रहते हैं वो भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। या नीड सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ आप एक जनरल नीड्स पकड़े और शुरू हो जाए, इन चीजों पे टाइम ना वेस्ट किया करें, नीड्स जो है ना वो इतना खास मैटर नहीं करती। एक ब्रांड डोमेन हो बस, जो 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 लो कंपटीशन मिलता जाता है आप लिखते जाएं बस भाई। अगर एफिलिएट वेबसाइट हो और एडसेंस यूज ना करें तो आर्टिकल, यार ये वो ही आती है भाई, कॉपी किया हो तो नहीं रैंक होगा। अल्लाह के बंदे कमर अमीन साहब, अलीम भाई, अमेजोन एफिलिएट के ब्लॉग, यार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ वो कोर्स जो है ना काफी अच्छा है, मतलब काफी मैंने देखा नहीं है पर्सनली, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू से देखा है तो काफी अच्छा लगा है। एंकर टेक्स्ट की स्ट्रेटजी वो जो सर आमिर मुस्लिम ने बताई थी वही मैंने बताई है, और SEOs भी इसी बारे में कहते हैं कि ना आप जाएं एचरेफ्स के जरिए देखें कॉम्पिटिटर्स के, उनके वो देखें परसेंटेज वगैरह, तो वहां से आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। यार मैं थोड़े दिनों पहले ही बाल्ड हुआ हूँ, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था ऑनलाइन आने का, लेकिन वो कुछ लोगों ने कहा है तो इस वजह से गया हूँ। अब क्या करूँ, क्या किया जा सकता है वैसे, क्योंकि अब घरों में ही टाइम गुजारना है 2-3 माह, ये पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, अब अल्लाह करे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए सारा कुछ। अच्छा से ना एक पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन ये भी है, वैसे ये जो जितने भी बांग्लादेशी कम्युनिटी हमारे ग्रुप में, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब पर्सनली ये जितने ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं ना, इतने ज़्यादा पाकिस्तानी भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं बांग्लादेश से, थैंक यू वगैरह कहते हैं, और यार कभी कभी तो मेरा दिल कहता है काश ये लोग ना जुदा होते हमसे, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा अलीम भाई, एक क्वेश्चन, अगर बिजनेस वेबसाइट न्यू है उस पर ट्रैफिक आने में काफी टाइम लग जाता है, बट नीचे ट्रैफिक के लिए,
इनिशियल ट्रैफिक के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी पीपीसी रन कर लें, फिर वही सबसे बेहतरीन हल है, या फिर आप उसके फेसबुक एड्स चला लें, या आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो बना के, तो वो भी एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, वो काफ़ी चीप भी है। यार ये ट्रैफिक अब एक्सपायर्ड जो हो जाती है वो एक किस्म की एक्सपायर्ड ही होती है, अब ज़रूरी तो नहीं ना कि वो जब एक्सपायर हो जाएगी तो फिर लोग भूल जाएंगे उन्हें ट्रैफिक कहाँ से आनी है उनके ऊपर। तो अगर वो पहले मशहूर थी तो मतलब फिर अगर आप उनके सारे आर्टिकल्स वगैरह रिस्टोर कर देंगे तो फिर तो उम्मीद है कि उस पर ट्रैफिक दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। यार असल में ये मियाँ अली हैदर साहब बार बार पूछ रहे हैं, यार मेरे ख्याल से तो अगर आप घंटा लगा के देख भी लें तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना तो बंदा टाइम निकाल के देख सकता है। अब मैं तो खुद बिजी हूँ एसईओ के साथ, एसईओ कोर्सेज वगैरह, तो इस वजह से भी नहीं दे रहा यार ये। अब पता नहीं अरबाज साहब पता नहीं कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, अब इधर तो मैं नहीं ओपन कर सकता इसको, क्योंकि चलें देखते हैं। मेरे पास तो 404 आ रहा है। अच्छा जी सर, आपके सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में जो, अब वो सीक्रेट तो नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा दफ़ा लिंक शेयर किया है उसका, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं फिर, लेकिन हम उसमें कॉन्टिन्यूसली लो न्यू बाइज वगैरह का सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके लिंक्स का वही मैंने सोचा है, बहुत ज़्यादा लोग लिंक्स बार बार मांगते रहते हैं, तो हम स्किल्स अकेडमी पे ही उसके लिंक्स लगा देंगे, वहाँ से लोग देखते। एक कोर्स है वो 4500 का मिल रहा है, अब अगर वो इन्वेस्ट कर लें तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। जी मैं इस्लामाबाद G13 से हूँ, वैसे इधर हमारे 3 घर हैं, इसी टाइम किसी और में भी हो सकता हूँ, अगर I8 में भी है हाउस और G13 में भी है दो, तो बस इधर ही होते हैं। वालेकुम सलाम बाबर साहब, केविन डेविड जो भी है उसका कोर्स कैसे मिल सकता है? यार मैंने उसका कोर्स कल ही शायद पोस्ट किया था, केविन डेविड साहब का, तो व्हाट्सएप का लिंक मैं शायद थोड़ी देर तक दोबारा पोस्ट कर दूं। हमने दो किस्म के ग्रुप बनाए हुए हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, एक सिर्फ लिंक्स ओनली है, मतलब जिन कुछ लोगों को इरिटेशन होती है मैसेज से, तो इस वजह से हमने सपोर्ट के लिए रखे हैं, हम सपोर्ट के ग्रुप्स में भी कोर्सेज के लिंक शेयर करते हैं, और लिंक्स ओनली ग्रुप भी रखे हैं, मतलब जो भी कोर्स वगैरह हो उनके साथ भी शेयर करते रहते हैं। एफिलिएट सी मेरे पास जो पड़ी है, जेनेसिस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक मशहूर भी है। मियाँ अली हैदर साहब, ये आप चौथी दफ़ा पूछ रहे हैं, और मैं कहता हूँ आप भाई घंटा निकाल के देख लें, कोई नहीं खास फर्क पड़ता, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई फ़ायदा ही हुआ, उन्होंने अपने स्टेट्स वगैरह भी दिखाए थे, तो मेरे ख्याल से तो सीखेंगे। यार ये आपके पास अगर पे नहीं हुआ तो आप आसानी के साथ पेमेंट ले सकते हैं, अब मेरे सारे कनाडा वगैरह जितने भी हैं ना, यूके, ये वो सारे मेरे पे नहीं के साथ ही कनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप पोस्ट कर देंगे वो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मैंने पहले बहुत दफ़ा ज्वाइन किया, शायद कुछ न्यू मेम्बर्स उनको नहीं पता, साथ पर बताएं कौन सा। अच्छा जी वो मैंने आपके क्वेश्चन का दे दिया। वालेकुम अस्सलाम फरूख साहब, गूगल पे मुझे नहीं है प्रोडक्ट्स के, फ्री वाले कहाँ से ले? फिर यार गूगल पे मिल जाते हैं, मैं भी हमेशा से गूगल से यूज़ करता हूँ। फ्री वाले से मतलब क्या मुराद है? गूगल पे प्रोडक्ट का नाम सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। यार मैंने ना स्क्रीमिंग फ्रॉग वगैरह लिख के अपवर्क के ऊपर सबमिट किया था, तो मेरा तो पहले दिन में अप्रूव हो गया था, मेरी 2-3 IDs अप्रूव हो गई थी, लेकिन वो पता नहीं दूसरी आईडी बाद में यूज़ नहीं की तो ख़त्म हो गई है शायद। अब एक आईडी है, तो अगर अपवर्क पे अप्रूव होने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरी नज़र में यही है कि आप उसको फुल माइक्रो लेवल पे ले जाएं, जो स्किल्स है ना, तो फिर अप्रूव हो जाएंगे। इसके ऊपर हमारी कुछ वीडियोज़ भी हैं,
स्किल्स एकेडमी पे वो कोर्स है सर हिशाम सरवर का, उन्होंने भी बताया, और भी काफ़ी टीचर्स, सर वकास अहमद ने भी बताया। अगर बिजनेस वेबसाइट न्यू हो उस पर, ये तो ऑलरेडी आंसर कर दिया यार मैं सामने ने। हाय अलीम, नेमतुल्ला साहब, हाय, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पीबीएन के लिए यार 5-6 चीज़ें होनी चाहिए, मतलब उसकी बैकलिंक प्रोफाइल अच्छी हो, नीचे रेलिवेंट हो, उसका ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो में रेशो अच्छी हो, और उसका वे बैक अच्छा हो, इस तरह करके। कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करने के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल रिकमेंडेड मैट्रिक्स हैं, वो मेरी नज़र में KW फाइंडर, और जो दूसरा है एचरेफ्स का, ये सबसे बेहतरीन है। और दूसरे जो बाकी चीज़ें ने भी टेस्ट किए वो सारे मुझे तो बेकार ही लगे। काम तो फिर करना पड़ेगा। क्रैक कोर्स यार मैंने देखा है, जितना देखा है वो काफ़ी हद तक थ्योरी बेस्ड ही है, मतलब दूसरा डिटेल वाला मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं भाई, मैं सराइकी नहीं हूँ, हम पिंडी पटिया से हूँ, और हमारी प्योर पंजाबी है, मतलब अखीर लेवल की पंजाबी, और अगर वो लेवल की पंजाबी बोलूँ तो आप लोगों को समझ भी नहीं आ जाएगी। जितने भी अच्छे कोर्सेज हैं ना फ्री, वैसे मैं अपना पर्सनल इतना खास रिकमेंड तो नहीं करता, क्योंकि वो भी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, उसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें भी आ जाती हैं। तो 4-5 कोर्सेज हैं स्किल्स अकेडमी पे, उन पे जो आपको अच्छा लगे वो देख लें, पॉपुलरिटी के हिसाब से वो नीचे मेंबर्स लिस्ट भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। बेस्ट है एसईओ कोर्स फॉर लोकल ई कॉमर्स, रियान का कोर्स मैंने देखा है, उसने काफ़ी अच्छे तरीके से, लोकल तो नहीं लेकिन उसने ई कॉमर्स काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया था। लोकल अगर आप एरिया बेस्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए फेसबुक एड्स यूज, वो भी बड़ा अच्छा तरीका है। वालेकुम असलम जाहिद साहब। अच्छा, सर्वर शुरू करने के लिए प्लगइन बता दें यार, ये सर्व्ड स्केल्ड इमेजेस जो है ना, कोई प्लगइन भी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉजिकली सोचा जाए तो वो हमने खुद ही उनका रेजोल्यूशन सेट करना होता है, और इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो भी बनाई है पहले, तो वो आप वीडियोस देख लें मेरी। एक जीटी मैट्रिक्स है 0 to 89%, उसमें मैं सारा प्रोसेस बताया इसको हमने। हाँ शुक्र है यार, कैमरा हो गया था। अच्छा, अब ये मेरे पास इस तरह के 2 कस्टमर आए थे, एक ये वाला और एक पहले था, पर मुझे कोई समझ नहीं, कश्मीर कस्टमर जो है वो खुद करते हैं या क्लाउड वेयर की सेटिंग करते हैं, तो मसला आ जाता है मेरे को। वो ना ज़्यादातर है, अगर कस्टम एसएसएल करें ना तो वो उनका कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जिस वजह से ज़्यादातर मसला आता है यार। वो एक पता नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोर्सेज की वेबसाइट है, वहाँ से वो मिलता है कोर्स। ब्रदर उधर 4-5 कोर्सेज हैं, सर अली रज़ा का भी है, और सर सलमान सरवर का भी है, मेरा अपना कोर्स भी है, और उस्मान सर उस्मान लतीफ़ साहब का भी है, ऐसे कोर्स बहुत ज़्यादा है। कासिम साहब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वो 4500 का कोर्स यार, कंटेंट राइटिंग का कोर्स है यार, वो स्पिन बोर्ड। अच्छा, वो अब बहुत कम अप्रूव होने शुरू हो गए, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया अब, यानी कि ना अब ये स्पान कंटेंट जो है ये अप्रूव इतना ज्यादा। वालेकुम सलाम, पैसे कहते हैं कितने पैसे कमा लेते यार, क्या बताऊं, अब इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा पैसे लिए हैं मैंने, सच्ची बताऊं तो अब मैंने एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट की है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मसला ये है कि इंटरनेट का, ये बंदे को इधर इशारा दे देना तो ये खोज लगा के पहुंच जाते हैं वहां पे, बस कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, लेकिन इंशाल्लाह वो कोर्सेज में सारा कुछ सिखाता जो मैं करता हूँ। मैं ज़्यादातर टेक्निकल एसई वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लोकल लेवल पे तो नहीं, लेकिन अपवर्क वगैरह पे।
यार ये इस तरह का काम मैं पहले करने लगा था, लेकिन बाद में मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो डीएमसीए वगैरह के इश्यूज वगैरह बहुत ज्यादा बन सकते हैं। अच्छा भाई, कभी पायोनियर पे एक से ज्यादा फाइबर कनेक्ट ना करना, क्योंकि वो सारे बैन हो जाएंगे। उनका इस मामले में बड़ा सख्त किस्म का सिस्टम है यार। ऐसे लोकल ई कॉमर्स के कोर्स रियान का ही है मेरी नज़र में सबसे अच्छा जो है ना, वो काफ़ी अच्छे से। एएसओ का कोर्स मैंने शायद दिया था, लेकिन वो सही मिला नहीं मुझे। शायद मैंने बाद में भी एक टोरेंट पे, आप ऐसे करें ना, टोरेंट के ऊपर जाएं, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे एएसओ के काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कोर्सेज पड़े हुए हैं। वहाँ से जो है मैंने डाउनलोड किए हैं रिसेंटली, 1337, आगे आपको पता ही होगा। हाँ जी, जितने भी वेबसाइट हैं वो जब आप उधर एफिलिएट डैशबोर्ड में सर्च करेंगे ना प्रोडक्ट की, तो जितने भी वहाँ पे जिनकी प्राइसेस वगैरह शो हो रही होंगी, तो वो उधर शो हो जाएंगी। डीआर इंक्रीज करने का सबसे बेहतरीन तरीका एक्सपायर्ड डोमेन्स ही है, मतलब कोई काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। मैंने ऐड की थी तो काफ़ी ज़्यादा, मेरा 20-25 एक साथ ही हो गया। एफिलिएट के लिए जो सबसे बेहतरीन है वो एफबी मास्टर क्लास है मेरे ख्याल से, मैंने भी रिसेंटली डाउनलोड किया है। मैंने WSO की वो परचेज की है, वो केवन डेविड का है, एक पता नहीं केवन डेविड का क्या नाम है उसका, काफी मशहूर बंदा है, उसका कोर्स है। यार आप ना, ये क्लाउड फ्लेयर का इशू आ रहा है जीशान साहब, आप इसे रिमूव करके देखें। यार सच्ची बताऊं तो ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कितनी देर काम करता हूं। मतलब ना मेरा जो छोटे भाई है ना, मतलब ज़्यादातर जो वर्क होता है मैं उन्हें दे देता हूं, वही हैंडल करते हैं ये सारे फ्रीलांसिंग वगैरह के इश्यूज। खुद तो मैं लर्निंग पे ही फोकस करूँ आजकल। सैयद साहब, सैयद मुहिब साहब, अच्छा मैक्सिमम कितने पेजेस होने हैं? जितने आपके दिल करे उतने बना लें, मतलब अगर वेबसाइट पुरानी हो जाए तो उसके थोड़े आर्टिकल्स हों तो वो गूगल उसको ऐसा ऐसा करके उसकी जड़ें काटना शुरू कर देता है, मतलब वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बेसिकली बेहतर तो यही है कि वो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस हों। क्लिक बैंक से अभी तक मैं सच बताऊं तो दूर ही हूँ। मेरा ना असल में क्लिक बैंक का एक अकाउंट था जो हैकर साहब ने चोरी कर लिया, तो उस वजह से फिर क्लिक बैंक पे तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा। जी लव फ्रॉम पाकिस्तान टू, यार ये बांग्लादेशी लोग सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा कौन करवा रहा है भाई, मतलब कोई समझ नहीं आ रही है किसकी बात कर रहे हो आप। मोहम्मद फास साहब, जिसमें वर्डप्रेस साइट को पेपाल, यार पेपाल के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहे हैं। ब्लैक हैट कम्युनिटी, शायद आप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। और हमारा साहब, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? अगर पाकिस्तानी ट्रैफिक है तो वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज। यार इसके बारे में ना सच्ची बताएं तो मैं इन ये मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं इसके बड़े ख़तरे होते हैं, वो कल ही सर फारूक साहब ने किया था इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि आप पोर्टेबल ब्राउज़र वगैरह यूज़ करें और दूसरे अकाउंट में लॉगिन करने से पहले राउटर रिस्टार्ट कर लिया करें। ये मसला ये होता है कि साल भी चल जाए ना तो वो कभी ना कभी पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ लेना फिर बड़ा अजाब होता है। मेरे पास जेनेसिस की थीम है, अगर किसी को चाहिए तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं सोच रहा था कि एक ग्रुप में पोस्ट करूं, चलें इधर ही पूछ लेता हूं कि वो जो हमारा न्यू प्लेलिस्ट है एसईओ फ्रॉम स्क्रैच, उसमें हम प्रीमियम जेनेसिस की थीम यूज़ करें या फ्री। मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि फ्री यूज़ करें, लेकिन जेनेसिस की थीम इसलिए अच्छी है क्योंकि वो ऑटो अपडेट भी होती रहती है, अगर वो भी यूज़ कर लें तो इतना कोई मसला नहीं है। एक्सपायर डोमेन में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आती है वो तो यही होती है कि उसका
उसकी जो रेशियो ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो की। एफ बी एड्स कंपेन यही है कि फेसबुक के ऊपर एड चलाना, ब्लैक हैट SEO जो है ना रणजीत सिंह साहब, वो आजकल जो है कोई मार्केट में इतनी खास नजर नहीं आ रही। मतलब ब्लैक हैट की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ज्यादा दबी पड़ी है। मतलब आजकल जो ब्लैक हैट वाले हैं वो इतने खास नजर नहीं आते SEO में। गूगल ने ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। क्वालिफिकेशन मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, BSc कर रहा हूँ, और काफी कोई 10-15 SEO के कोर्सेज देख लिए हैं और एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। कल सच्ची बताऊँ तो एफिलिएट से आप इतना अर्न कर सकते हैं जितना आप चाहें। वैसे ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये मैंने चार्ट वगैरह ना लगा के सारे प्लान्स बना के इधर रखे हुए हैं अपने कमरे में। मैंने इनको हर रोज देखता रहता हूँ, सारे ऑन पेज SEO के भी मैंने इधर रखे हैं, सारे प्लान्स और ब्लूप्रिंट वगैरह भी बना के रखे हुए हैं। अच्छा 301 को इंडेक्स कैसे करवाएं? 301 को इंडेक्स करवाने का मैंने जो तरीका बताया था वो ये है कि आप जहाँ से उनको बैकलिंक्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उन्हें आप वो ब्लॉग पोस्ट करके और फिर गूगल के जरिए मैनुअल फेच करें। यार पेपाल का इशू जो है ना, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है, जो इसमें थोड़े दिनों तक तो चल जाता है। मैंने भी 15-20 IDs बनाई है पिछले साल। मतलब एक वो साउथ अफ्रीका का तरीका था बड़ा कमाल का, वो काफ़ी 6-7 माह निकाल गया, लेकिन अब उस पर भी उन्होंने वो सारा चेंज किया सिस्टम। एमल की जितनी भी वेब प्रोडक्ट्स हैं ना, पर्सनली मुझे पता नहीं है, शायद वो कोई रिस्ट्रिक्ट भी करते हो, लेकिन 99.9% जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा जी, मिक्स ट्रैफिक आ रही है बट ज़्यादा बाकी है। यार ये जो पाकिस्तानी एशियन ट्रैफिक है ना, इसके ऊपर काफ़ी इश्यूज बन जाते हैं। मतलब या तो फिर वो आपके आर्टिकल के टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। यार जो आपके सही मेहनत की कदर करता है ना, वो अपवर्क का प्लेटफॉर्म या मतलब फाइवर में $5-5 कमाते हैं, और उधर वो उसी काम का 6-6, 7-7 100 डॉलर बना देते हैं। ब्रदर सुबह कांटू साहू साहब, मैंने जो आपको वो दिया ना जेनेसिस, वो ऑटो अपडेट हो जाती है। मतलब उसके कोई लाइसेंस की वगैरह नहीं है, वो आप इंस्टॉल करेंगे ना तो ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, उसे अपडेट करें। अच्छा फ्रॉम बांग्लादेश, हाँ जी बांग्लादेशी वेलकम। देखें पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा तरीफ कर रहे हैं। सच्ची बात बताऊँ, इधर मैं यानी कि 20 साल से हूँ, मतलब जिसके सामने भी जिक्र करें ना, बांग्लादेश से के लोगों से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपके पॉलिटिशियन आपको जो भी कहें, मतलब हमारे लोग तो सच में आप लोगों के ना दीवाने हैं। वो आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि वो 1971 में क्या हुआ था, किस फौज की गलती है। अगर हमारी फौज की गलती भी है तो अल्लाह उन्हें, हम तो यही कहते हैं कि अगर उन्होंने गलती की है तो अल्लाह उन्हें भी सजा दे। मतलब उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। आगे अल्लाह बेहतर जानता है उसमें किसकी गलती थी। कोई लोग किसी के ऊपर, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर ब्लेम करते हैं, कोई किसी के ऊपर, तो वो बीच की बातें अल्लाह ही जाने। नहीं भाई, एड फेसबुक की एड कंपेन फ्री नहीं होती, मतलब इसमें पैसे लेते हैं और अच्छे भले लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 1,000 रुपया पे किया, आज ये एड चलाए थे तो लेकिन ये दूसरे मुकाबले में इनकी कन्वर्जन सबसे अच्छी होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा चीप भी होते हैं अगर आप सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें तो। डेली 700 अब्दुल रहमान साहब, मेरे ख्याल से आप जो ICPC वाले आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नहीं लिख रहे, लो CPC की वजह से वो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। कम ही है CPC, आपका कन्वर्जन रेट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम होगा। यार मैं तो डायरेक्ट होस्टिंग से ही रिट्रैक्ट कर, डोमेन रजिस्ट्रार से ही
कर लेता हूँ यार ये सबा कांटू साहब, ये मेरे ख्याल से ना शायद आप पहली दफा कर रहे हैं इसमें ये जो। अच्छा सॉरी, मैं एस्पायर हो समझ रहा था, एस्ट्रा प्रो है। तो एस्ट्रा प्रो भी काफी दफा यूज हुई है, अल्लाह का शुक्र। अभी रहमान साहब, हाँ जी, ब्लॉग स्पोर्ट्स जो है उसके ऊपर है, हॉस्टेड अकाउंट अप्रूव होते हैं, और इम्तियाज साहब आप नजर नहीं, मैं नहीं, और मैंने आपको इग्नोर किया। अगर हो सके तो दोबारा क्वेश्चन कर दें यार। ये सोशल मीडिया ट्रैफिक है ना, हमेशा से मैं देख रहा हूँ, 2-3 सालों से काफी ज्यादा लोगों के ना इश्यूज बन रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से हो सकता है शायद लोगों के एक्सपायर हो जाते हों। इम्तियाज पता नहीं अपने को किए हैं या नहीं, श्योर है आप प्लीज दोबारा कर दें। यार मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि ना आप जितने ज्यादा तरीकों से हो सके ना मोहम्मद अदरीस तायर साहब उसे अपनी वेबसाइट को करें, मतलब ताकि गूगल को जब फुल एक्सप्लोरर देखता है ना तो वो भी एकदम खुशी से झूमने लग जाता है। वालेकुम सलाम हसन अली साहब, शॉपिफाई के ट्रायल वर्जन पर सारे एसईओ टूल्स भी मिल जाते हैं साथ? नहीं भाई, शॉपिफाई और चीज़ है और एसईओ के टूल्स और चीज़ हैं, और इन दोनों का आपस में कोई तल्लुक वास्ता नहीं। यार मेरा दिल है आज ना, जितने भी लोग कोई नाराज भी होंगे क्योंकि मैं काफी दिनों से रिप्लाई नहीं कर रहा, इस वजह से मेरा दिल है कि मैं सबका रिप्लाई दे के ना आराम सुकून से फिर सो जाऊं, तो इसलिए सबका रिप्लाई दूंगा। और कभी कभी जिंदगी मौका देती है इस तरह का। नेगेटिव वैसे ये है कि वो टूल्स के जरिए 50-60 लोगों के सॉरी 50-60 हज़ार बैकलिंक्स बना देते हैं आपकी वेबसाइट के। और ग्रे हैट ऐसी वो है जिसमें PBN शामिल है, 301 एक्सपायर्ड, जिनसे ये शक होता है वेब 2.0 भी जैसे है कि गूगल हमें पेनल्टी लगा सकता है। वेब 2.0 का ये मसला होता है कि अगर इसे सही तरीके से ना करें तो वो हमें डायरेक्ट मैनुअल पेनल्टी लगाते हैं जो उनकी अपनी टीम लगाती है, और बड़ी खतरनाक चीज़ है। ट्रस्टेड सेलर वाली लिस्ट बन चुकी है, उसमें हमने कुछ 4-5 सेलर्स को भी ऐड कर लिया है, और स्किल्स एकेडमी स्लैश ट्रस्टेड पे आप देख सकते हैं। अभी तक मैंने अपने पर्सनल ट्रस्टेड ऐड किए हैं, उधर जो दूसरे हैं वो उनके पेंडिंग है अभी तक। मैंने उन्हें आज कहा था लेकिन वो शायद आर्टिकल राइटिंग अप्रूव करने का ये तरीका है कि बार बार करें उसे, या कोई कोर्स देख लें आर्टिकल राइटिंग का, या कोई इंग्लिश वगैरह का भी कोर्सेज देखें। भाई 301 जब गूगल करता है, फैच करता है आपके पुराने बैकलिंक्स को फैच कर ले तो फिर ट्रैफिक यूज। नहीं यार, मैंने ना सच बताऊं तो चौधरी फास साहब, ये मैंने सारे अपने गेमिंग के अकाउंट्स गिव अवे कर दिए हैं, मैं अब फुल टाइम जो है ना बिजनेस माइंड सेट लेके बैठा हुआ, तो ब्यूटी पे अपडेट का कोर्स उसको फॉलो करके। हाँ जी, वो वैसे इतना बुरा भी नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, और उसी के साथ ही मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, जो जो एक्सप्लेन किया वो ही सारा कुछ है। सर 2-3 बाद आया करें 1 घंटे के लिए। हाँ जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप। पहले तो असल में मुझे सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा झिझक रहा था आने से, मतलब लोगों का रिएक्शन, सोच रहा था घबराए ना जाए। अच्छा तो पेनल्टी किस चीज पे? पेनल्टीज की दो किस्में हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मतलब एक मैनुअल है और एक दूसरी। पेनल्टीज आ सकती हैं स्कीमा स्कीमा पे, बहुत ज्यादा पेनल्टीज आती हैं, और आपके बैकलिंक्स पे बहुत ज्यादा आती हैं, वेब 2.0 पे खास तौर पर वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जी मैंने आज एडवांस एसईओ की आउटलाइन पोस्ट कर दी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे उसे। ऋषभ साहब, मैंने वैसे ऋषभ नाम से तो मुझे कोई नहीं पता चल रहा। अच्छा मोल्स का कोर्स देखने के बाद काफी कोर्सेज हैं, आप उधर से देख सकते हैं स्किल्स एकेडमी से।
जी, जो दिल करता है, जितना बेसिक है, मजाहिया है, जिस किस्म का भी है, हर किस्म का पूछे, इसीलिए बैठा हूँ इधर यार। वो 4500 वाला कोर्स, वो एक फीमेल है, मुझे फरवा के इस तरह करके उनका नाम है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। वो इधर काफी ज्यादा लोग शेयर करते हैं कि ये बाय कर लें। वैसे मैंने एक दफा सोचा था कि मैं बाय करके स्किल्स एकेडमी के ऊपर अपलोड कर दूं, लेकिन वो मसला बन जाना यार, पाकिस्तानी किसी का कोर्स ऐसे, दिल अजीब सा होता है ऐसे सोचें तो। अंग्रेजों की तो खैर है, ये जो आप नेट यूज कर रहे हैं, बिटसी एलटीपी लिंग, ये जो भी है यार, मैं नेट यूज कर रहा हूँ और ये हमें 30 MB स्पीड दे रहे हैं जी। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं, A to Z सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे हैं और उनकी प्लेलिस्ट बन रही है। नया टेल का यूज कर रहा हूँ मुनीब साहब। यार वो इंडेक्स खुद ही हो जाते हैं, आप ना अपने वो, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, आप सर्च कंसोल में उधर लिंक्स होते हैं, उधर आप देखें डोमेन को, उधर होंगे 301 के। इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ही जाने, ये इंटरनेट ये कहीं से भी नहीं आता, ये बेसिकली कंप्यूटर कनेक्टेड है। हम सर सलमान सर्वर का काफी अच्छा कोर्स है बिगनर्स के लिए, वो आप देखें जरूर, और सर अली रजा का भी काफी अच्छा कोर्स है, वो भी देख सकते हैं। अगर आपने थ्योरी सारी अंडरस्टैंड करनी है तो उसके लिए उस्मान लतीफ का कोर्स सबसे बेहतरीन है। प्रैक्टिकल चाहे वो बिल्कुल कुछ भी ना हो, लेकिन वो थ्योरी के हिसाब से 100% है, मतलब बड़ा बेहतरीन है। सैंडबॉक्स रिसेंटली अभी एक वेबसाइट निकली है हमारी, तो मैंने अब ये जो वेबसाइट बाय की है, ये भी अब कुछ 7-8 माह पुरानी वेबसाइट थी, मतलब नाम वगैरह भी काफी अच्छा लगा है मुझे, लेकिन वो थोड़ी सी गलती हो गई है। मैं वो डायरी समझ रहा था, लेकिन वो डेरी निकला है। क्रेग कैंपबेल का मैंने कोर्स देखा है, प्रीमियम वाला भी, और मैंने अभी तक वो ब्लैक हेड सेक्शन देखा है, और वो मुझे काफी हद तक बेसिक ही लगा है। अब दूसरा मैंने देखा है एडवांस एसईओ का, वो काफी ज्यादा डिटेल था, लेकिन वो अब पूरा देखूंगा तो फिर उसका रिव्यू दूंगा आप लोगों को। यार इम्तियाज हुसैन साहब, आपका क्वेश्चन भी नजर नहीं आ रहा, बार बार ही रिस्पॉन्ड कह रहे हैं। और अच्छा एसईओ का मैंने ये सर आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वो जब टूल्स के जरिए 50-60 हज़ार बैकलिंक्स बना देते हैं, तो वो नेगेटिव ऐसी होती है, और ग्रे हैट ऐसी वो है जिसमें वेब 2.0 और पीबीएन वगैरह शामिल है, मतलब जो गूगल जिनसे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और ब्लैक हैट जो है वो थोड़ी ज्यादा डेंजरस चीज हो जाती है, मतलब जिसपे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। किस चीज के लिए कोर्स? शाहफाज साहब, वही अब जो मेरी वेबसाइट भी जो है, जिसने 200, अब अभी तक मैंने उसकी पेड बैक लिंकिंग नहीं की, मतलब वो सारे जो है सोशल लिंक्स और प्रोफाइल लिंक्स के ऊपर चल रहे हैं, मतलब अब वो लगभग $150 कमा रही है मंथली, 2-3 माह ही हुए हैं, और अभी तक मैंने उसका कोई पेड बैक लिंकिंग नहीं स्टार्ट की, गैस पोस्टिंग वगैरह। हाँ, एक भाई ने सवाल किया था कि एसईओ सर्टिफिकेट मैंने लिया हुआ है, मैंने आज से लास्ट ईयर लिया था, सच्ची बताऊं तो मैंने गूगल से सारे आंसर देख लिया था, लेकिन अगर अब मैं करूँ तो मुझे यकीन है कि मैं उसे पास कर लूंगा। यार पेड जो है ना, पेड पता नहीं यार, मैंने ना कसम खाई है पेड कभी नहीं कोर्स देना, मतलब लोग दूसरों से डिफरेंट काम करना है, मतलब ना नॉलेज को इस्तेमाल करके पैसा कमाना है, टीचिंग बेस के वो कभी शायद कोई, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक पेड का। सीखेंगे जब तक लोग इंटरेस्टेड हैं, जब लगा कि लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर पेड का मैंने ये सोचा है कि चैरिटी बेस कर लेंगे, मतलब लोगों को कहेंगे कि चैरिटी दें और शामिल हो जाएं। बैक एंड
पीछे इंटरनेट, इंटरनेट का कोई बैकएंड है ही नहीं यार। ओ नहीं भाई, इंटरनेट जो है ये बेसिकली, मेरे ख्याल से आपको इंटरनेट का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। इंटरनेट इसराइल से नहीं आ रहा, इंटरनेट का कोई सेंटर है ही नहीं। ये बेसिकली सारे कंप्यूटर हमारे मिले हुए हैं और उनसे इंटरनेट बन रहा है, ये कहीं इसराइल वगैरह से नहीं आ रहा, अल्लाह माफ करे। इधर हर वेबसाइट का अपना सर्वर है, इधर तो बंदा पाकिस्तान में इधर बैठ के आप इधर घर से भी एक सर्वर लॉन्च कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट सर्वर के जरिए। यार वैसे नहीं, ये प्रोग्रामिंग वगैरह ये दोनों फील्ड हैं, मुख्तलिफ हैं। मेरे भाई भी प्रोग्रामर है ना, मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड तो यही करता हूँ, या आप एक फुल टाइम प्रोग्रामर बन जाएं और या ये मार्केटिंग, ये दोनों अलग-अलग फील्ड हैं और इनमें बंदा कन्फ्यूज हो जाता है अगर अगर प्रोग्रामिंग की तरफ भी रुझान ज़्यादा और एसईओ की तरफ भी। मेरे बाकी सारे भाई प्रोग्रामर हैं और मैं भाई दी हूँ जो मार्केटर हूँ। बोल बोल के मेरा तो शायद खांसी आने लगी है। अच्छा, 301 नीस रेलिवेंट हो या अथॉरिटी साइड से ज्यादा बेहतर क्या है? नीस रेलिवेंट मेरी नजर में फिर भी बेहतर है। ऑर्डर ऑर्डर फाइवर की बात कर रहे हैं? अरे भाई यार, ये बार बार इंटरनेट के सवाल हो रहे हैं, इंटरनेट कहीं से भी नहीं आ रहा। ये बेसिकली आपने इसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हमारे कंप्यूटर मिले हुए हैं, इसका कोई मिडल मैन नहीं है जहाँ से, मतलब ये इसका कोई मेन हेड है ही नहीं, ये सारे एक आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। हाँ जी, वो क्रैक का पूरा जब देखेंगे इंशाल्लाह तो रिव्यू करेंगे। यार 100 से एसईओ ना बाय करें, सिर्फ आप प्रोफाइल बैकिंग ताकि महदूद रहें, कोई और बैकिंग ना बाय करें, वो लोग बहुत स्पैमिंग कर देते हैं हर चीज को। यार वो बैच अभी तक पूरा नहीं हुआ, बैच की स्टेज पूरी हुई है, मतलब उसमें HTML CSS हमने किया है और आगे इंशाल्लाह करेंगे बहुत जल्द। ग्रे एट SEO में PBN तो हमने सारे बोट ब्लॉक करने होते हैं गूगल के अलावा, के मतलब कोई देख ना ले हमें हमारी वेबसाइट को, और उसे एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह तरह ही चलाना होता है, मतलब एक्सपायर्ड को लेके, तो फिर उसकी अथॉरिटी अच्छी हो और फिर उससे चलाएं। हाँ जी, जेनेसिस थीम मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होगी तो। वैसे मेरे एक है उधर आउटडोर डिज़ाइन वेबसाइट लाइक 10 व्यूज, उसके नीचे भी मैंने दिया था लोगों को। इम्तियाज वैसे मैं दोबारा बता दूं कि ये ना हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, PBN जो है ना उनके अलग-अलग होते हैं और दूसरी चीज़ों के अलग-अलग होते हैं। यार केजी यार बेसिकली डिफिकल्टी मेजर करने के लिए होते हैं, यानी कि ना डिफिकल्टी देखते हैं कि कीवर्ड की डिफिकल्टी कम है, उस पर एडसेंस वगैरह का कोई इतना खास फर्क नहीं है। यार ये बार बार SEO स्टोर के क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं तो 10-15 दफा बता चुका हूँ कि स्टोर से बैकलिंक से ना बाय करें, खुद मैनुअली क्रिएट करें। अच्छा अलीम भाई, हम सारे पेड कोर्सेज के मारे हैं, फ्री रिसोर्स सही सही है सब कुछ। हाँ जी इंशाल्लाह, डेढ़ मैंने वो डोमिनेशन का टाइम दिया, अगर तब तक लोग इंटरेस्टेड रहे और कोई, यार एक चीज मैंने बहुत देखी है, मतलब जिन लोगों को साल साल पूरा भी सिखाते रहे ना, वो भी एंड पे जाके देखें तो वो पेड ग्रुप्स में उनकी कमेंट्स होती हैं, जी सर जी हमें आप सिखाए हैं। यार ये चीज मुझे थोड़ा थोड़ा दुखी कर देती है कि मतलब इधर मेहनत कर करके कप जाते हैं और एंड पे फिर वही पेड कोर्सेज पे वो चले जाते हैं कि सर जी आप हमें सिखाएं, मतलब यार हमारे हमारी भी तो कोई थोड़ा जो नॉलेज, इतना मेहनत कर रहे हैं कोर्सेज दे के आपको सिखा रहे हैं, कोई इसकी भी थोड़ी वैल्यू करें। मैंने काफी मेंबर्स देखे हैं जो इधर हमारे ग्रुप से सीख सीख के फिर उधर जाते हैं कि जी आप हमें स्क्रैच से सिखाएं। अब इनके कहने पे अब स्क्रैच से शुरू किया और स्क्रैच से सारा कुछ सिखाएंगे, अब फिर भी अगर ये कोई बहाना बनाए तो फिर तो अल्लाह ही वारिस है इनका।
स्कॉलरशिप बैकलिंक्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उन वेबसाइट को देखें जिनके लो OBL है, मतलब लो आउटबाउंड लिंक्स है, मतलब के जो 15-20 वेबसाइट कोई दे रहे हैं। वो कुछ लोगों ने अब पेजनेशन सिस्टम शुरू कर दिया, मतलब एक पेज पे 10 लिंक्स फिर दूसरे पे, इस तरह के वो ज्यादा अच्छे रहते हैं स्कॉलरशिप में। बैच 1 स्टेज 2 पे पहुंच गया और कोई 9-100 बंदा था जिसमें सिर्फ 50-55 लोगों ने पास किया, जो काफी दुखी चीज थी। यार कीवर्ड डेंसिटी पे इतना खास कोई फोकस वाली चीज नहीं है, लेकिन ये बस आजकल लोग इतना ज्यादा इसके बारे में बातें नहीं करते। कीवर्ड डेंसिटी मेरे ख्याल से तो अब इतनी ज्यादा कोई मेन फोकस नहीं रहा इसके ऊपर, आप दूसरे LSI पे ज्यादा फोकस करें तो वो ज्यादा बेहतर है। बेस्ट बैकलिंक्स जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं वो EDU के होते हैं और गवर्नमेंट के बैकलिंक्स होते हैं, और तीसरे नंबर पे आती हैं गेस्ट पोस्ट। बैकलिंक्स फास्ट इंडेक्स करवाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट के ऊपर पोस्ट करके उसको मैनुअल रिक्वेस्ट करते हैं कि गूगल उन्हें क्रॉल कर ले। एसईओ के लिए टीम बहुत बेहतरीन है, अगर आप उन्हें, आपको ज्यादातर सारा कुछ स्क्रैच से सिखाना पड़ेगा, यही मसला है बस। मैंने भी काफी ज्यादा कुछ प्राइवेट स्टूडेंट को ट्रेन किया है, ज्यादातर उन्हें वर्क दे देता हूँ VA के तौर पे, वो मैनेज कर लेते हैं काफी हद तक। यार वो स्टूडेंट्स को काफी हद तक डिस्काउंट दे देते हैं HRF का, कुछ लोग सस्ता भी शायद सेल करते हैं, $60 का भी वैसे मिल जाता है, लेकिन वो वैसे 1400 ही बनते हैं। न्यू बाइज के लिए वैसे अल्टरनेटिव तो हर बंदे को मिल ही जाता है, मतलब थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। अगर बैकलिंक्स का अल्टरनेटिव चाहिए, मैंने वो फ्री टूल्स बताए थे, तो स्पाई ग्लास काफ़ी अच्छा टूल है। हाँ जी, HTML CSS के बाद वर्डप्रेस सीखनी है। रिसर्चिंग के लिए कौन सा टूल बेहतर है? कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए सबसे बेहतरीन टूल जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर ही है। यार एक्सपायर्ड जो है ना, एक्सपायर्ड चीज़ का इंडेक्स तो नहीं ना हो सकती, जब जब वेबसाइट एक्सपायर होती है तो गूगल उसे अपने इंडेक्स से गायब कर देता है, सच्ची बात है। बैच 1 में स्टेज 2 पे पहुंचने के लिए वो मैंने एक असाइनमेंट दी थी, जिन लोगों ने कंप्लीट की थी वो पहुंच गए थे। सबसे बेहतरीन टूल अगर पेड में देखा जाए तो HRF ही है, फ्री में फिर वो हमारा पुराना यार ही आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। भाई EDU की लिस्ट स्किल्स अकेडमी स्लैश बैकलिंक डायरेक्टरी में है, आपको उधर रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर पेड नहीं लेने तो वो अल्टरनेटिव मैं अपनी वीडियोस में हमेशा जरूर बताता हूँ, मेरी नज़र में जो HRF का बेहतरीन अल्टरनेटिव है आजकल, वो जो काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स भी शो कराते हैं, वो स्पाई ग्लास है, वो यूज़ करें। यार वो YouTube एक वीडियो थी हाउ टू डिज़ाइन लाइक 10 बीस YouTube पे मेरी, उसके नीचे दी थी, अगर आपको मिल जाए तो। यार 301 फ्रॉम गवर्नमेंट, ये तो अजीब सा सवाल है वैसे, मेरी नज़र में तो दोनों ही ठीक हैं काफ़ी हद तक। लगता है लोगों के पास क्वेश्चन खत्म हो गए, आप मिशन अकॉम्प्लिश हो गया, 1.5 घंटा लगा पूरा। भाई आप किसी का क्वेश्चन है या फिर हाँ जी, StayTubes ओपन है उन लोगों के लिए जो असाइनमेंट जमा करवा दें, वो एक पेज बनाना होगा उन्हें HTML 5 और CSS 3 में रिस्पॉन्सिव। हाँ ग्रुप बाय, अगर सेलर अच्छा हो तो। मैं तो मोहम्मद साबिर का यूज़ कर रहा हूँ और वो अभी तक तो 4 माह होने वाले हैं और एक दफ़ा भी उसका कोई इशू नहीं आया, ना लिमिट का ना ऑफलाइन होने का। नींद तो नहीं आ रही, लेकिन अभी तक भी बहुत ज़्यादा काम है, क्या बताऊँ यार। अभी तक मैंने जाते साथ ही 4-5 रील बनाने हैं और अभी तक और क्लाइंट के वर्क भी रहता है, और क्या क्या बताऊँ आपको। वाह अल्लाह के शुक्र। अस्सलाम वालेकुम शाह शहबाज असगर साहब।
नेगेटिव एसईओ को हैंडल करने का यही तरीका है कि आप उन्हें डिसअवाउ करें। अब चाचा गूगल तो हमें यही कहता है। इम्तियाज हुसैन साहब स्किल्स एकेडमी पे एक पूरा बेहतरीन अच्छा सा कोर्स पड़ रहा है पीपीसी का, वो आप करें और बड़ा बेहतरीन कोर्स है। हाँ जी, स्टेज टू में वो लोग लगे हुए हैं आजकल, मगन है एक वो। असल में कोर्स भी हमारे पास काफी बोरिंग सा है जिसकी वजह से। ना जी, 2 साल गुजारे हैं क्रैकिंग में, लाखों अकाउंट भी हैक हुए हैं, और अल्लाह माफ करे, तौबे करते हैं अभी तक। उसके भी बड़े गुनाह हैं अभी तक सर के ऊपर। और यार ये मैं वैसे क्रैकिंग कम्युनिटी से हूँ, हैकिंग और चीज़ है। क्रैकिंग तो बेसिकली जो है ना, सच्ची बताऊँ तो वो हैकर्स का ही जो बचा हुआ है वो ही खाते हैं, वो क्रैकर्स जो होते हैं। लेकिन बड़ा गंदा काम है यार ये। अच्छा, मैं क्लाइंट की साइड सिर्फ फोर यार, ये फोरम प्रोफाइल जो है ना, ये वाला काम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। थैंक यू सर साहब। हाँ जी, इंशाल्लाह व्हाट्सएप का लिंक मैं सेंड करता हूँ। असल में लैपटॉप पे हूँ, यहाँ पे हो नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हाँ जी, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं अबीर साहब के, थोड़ा पेट का रुझान काम हो। स्किल्स एकेडमी बनाने का भी मकसद यही है कि कोई लोग, अब ये थोड़ा सा जो पेड़ पेड़ हर बंदा कर रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। ब्रदर, एक वेबसाइट है स्किल्स एकेडमी डॉट पी के, हमारी वेबसाइट की तरफ से, तो वहाँ पे कोर्स है। मुनीब साहब, वो हमारा एक कोर्स हो रहा है एक, हम टोटल HTML से शुरू किया हमने, A to Z कोर्स, HTML से लेके SEO से लेके फ्रीलांसिंग तक। उसमें मेरा अपना भी होगा इंशाल्लाह एक कोर्स बहुत जल्द। हाँ, वैसे ये भी बड़ी किस्मत वाले लोग ही कर सकते हैं। वो कोर्स जिस बंदे को भी देता है ना, वो जान छुड़ाता है। ये SEO विद एंगुलर जावास्क्रिप्ट, यार ये जावास्क्रिप्ट के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं SEO में, पता नहीं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी रहती है। और वो कहते हैं ऐसे कम्युनिटी में अभी तक भी गूगल प्रॉपर तरीके से इसे रेंडर नहीं कर पाता, काफी हद तक कर लेता है लेकिन अभी तक इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, जिस वजह से ना काफी ज्यादा कंटेंट सॉरी इंडेक्स नहीं हो पाता। वेलकम, लगता है लोगों के पास क्वेश्चन खत्म हो गए आप मैंने भी सबका आंसर करके छोड़ा। 15 फ्रेंड रिक्वेस्टें भी आ गई हैं। खैर, अच्छा यार मुझे ना वैसे आप लोगों की भी अब थोड़ी मदद चाहिए। मेरी कोशिश है आजकल के ना, हम ये अब बहुत ज़्यादा टीचर भी आ रहे हैं ना आजकल कोर्सेज के लिए, तो आप लोग भी कोशिश करें कि ग्रुप को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें। जितना ज़्यादा कम्युनिटी को एक्सपेंड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा जी। बैक लिंक्स के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन हैं, और इसे इंशाल्लाह हर तरीके से ना इसे कवर करेंगे हम, ताकि लोगों का ये मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो। अब पहले शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा था, मेरी काफ़ी वीडियोस देखी हैं लोगों ने, तो काफ़ी हद तक लोगों की टेंशन कम हो गई इस मामले में। गेस्ट पोस्ट के लिए आप अपने ग्रुप्स में जाएं, उधर गेस्ट पोस्ट के ग्रुप्स हैं उधर जाएं, उधर लोगों से पूछें, या नीड स्पेसिफिक हैं तो उधर भी काफ़ी लोग मिल जाएंगे आपको। आउटरीच करें, आउटरीच के ऊपर मैं ये सीख रहा हूँ आउटरीच आजकल,
और आपने देखा भी है, मैंने काफी इंटरनेशनल SEOs को भी आउटरीच किया है ईमेल के जरिए, और काफी ज्यादा वर्क भी किया है। वो नील पटेल के साथ अभी तक बात चल रही है, उसने कहा था कि मैं इंशाल्लाह, वो कह रहा था कि मैं इंटरव्यू दूंगा, मतलब उसने अपने 2-3 दफा बात हुई है उससे। अब मैं दोबारा फॉलो अप सेंड करूंगा ताकि वो टाइम फिक्स कर दे, ताकि जल्दी जल्दी कर लें। यार SEO क्लर्क पे काफी कमाल की चीजें हैं, लेकिन वो उस पर पैसे लगाने पड़ेंगे। सबसे अच्छी जो सर्विस उनकी है मुझे लगती है, वो तो लगती है मुझे उनके सोशल सिग्नल्स की। सोशल सिग्नल काफी अच्छे प्रोवाइड करते हैं, बैकलिंक्स का कोई इजी वे नहीं बताते। यार बैकलिंक्स का इजी वे जो मैंने बताया है वो 3 ही है, मतलब सोशल लिंक्स हैं और प्रोफाइल लिंक्स हैं, डायरेक्टिव सबमिशंस हैं। यार शुएब साहब, एक सच्ची बात बताऊं तो जब बंदा हाई लेवल का मार्केटर हो जाता है ना, तो ये वेब डेवलपर भी फिर उनके अंडर काम करते हैं। मार्केटिंग का जो मेरे ख्याल से एंड लेवल है ना, वो यही है कि बंदा एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो फिर जब बंदा एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो फिर उसके नीचे बहुत ज्यादा लोग होते हैं काम करने वाले। यार मार्केटिंग मार्केटिंग चीज बेसिकली मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि एक चीज को प्रमोट करना, मेरी नजर में जो मार्केटिंग का मतलब है। और वेब डेवलपमेंट बेसिकली वो प्रोग्रामिंग है जिसमें वेबसाइट्स वगैरह बनाना, और वेबसाइट्स बनाना नाम से पता चलता है। यार मैंने वो एक बंदा रिकमेंड किया था, लेकिन वो आजकल इतना खास नहीं है। और देख लें आप, को 2-3 टेस्ट कर लें सोशल सिग्नल्स के, काफी अच्छी अच्छी गिग्स मुझे नजर नजर आई है उधर। बोल बोल के गला भी बैठा पड़ा है। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम, मैंने इसके नोट्स बनाए थे, काफी चीजें उन्होंने सिखाई थी, मतलब कि कंटेंट के ऊपर काफी अच्छा बताया था कि कंटेंट किस किस्म का होना चाहिए जो काम करता है। और उन्होंने कोई स्ट्रेटजी वगैरह भी बनाई थी वेबसाइट की ग्रोथ के लिए, और हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए बिजनेस के लिए। होस्टिंग रेकमेंड करता हूँ मैं, अगर सिंगल वेबसाइट हो तो उसके लिए साइट ग्राउंड, मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए होस्टगेटर। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है आपने तो फिर स्किल्स अकेडमी पे जाएं, वहाँ पे HTML5 CSS3 का है, वो आप देखेंगे। फिर हम आपको एक असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसको सेव करना पड़ेगा HTML HTML5 और CSS3 के जरिए, उसके रिस्पॉन्स ही बनाना पड़ेगा, और फिर जाके आप उसे हमें दिखाएंगे तो फिर अप्रूव हो गए अब जाएंगे। आर्टिकल राइटर टेक अगर है तो उसके लिए वो जक्रिया आमिर एक बंदा है, वो रेकमेंड करता हूँ। अच्छा CPA के बारे में, यार CPA जो है ना, सच्ची बताऊँ तो मुझे तो ये सारा कोई स्कैम ही लगता है। फ्लोमैक्स बाउंड्री पे मैंने ना अकाउंट बनाया था, अप्रूव भी हो गया था, तो फिर मैंने काम नहीं किया क्योंकि मुझे ना उनकी जितनी भी ऑफर देखी हैं सारी स्कैम लगी हैं। और फिर मैंने यही कहा कि इसको कोई फायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट है। जितने भी CPA वाले मैंने देखे हैं, ये साल 1.5 साल ही निकालते हैं, और फिर ये हाथ पे हाथ तरह बैठे होते हैं कि ये आगे क्या करें। एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स ऑलरेडी स्टार्टेड है, और ये जो न्यू वेबसाइट स्टार्ट किया है इंशाल्लाह इस पे भी कोशिश करेंगे। पहले इसको इंफॉर्मेशनल पे करेंगे, रैंक कीवर्ड्स पे, फिर हम इसको एफिलिएट कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे। डेटा साइंस से मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि डेटा साइंस से क्या मुराद है आपके। ये Stage 1 में असल में हमने एक पूरा लगभग मंथ दिया था HTML CSS के लिए। हाँ जी, असाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, अगर एक चीज छोड़ दी तो दूसरी चीज नहीं होगी। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप HTML CSS, WordPress, SEO, फ्रीलांसिंग, ये सारा कुछ एक साथ ही देखें, मतलब इसे स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर वो कुछ चीजें छोड़ के आगे आएंगे तो कफायतुल्ला खान साहब, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और उसमें जो 4 वीडियोस बनाई हैं वो उधर मैंने कर दी है सीरीज बना के, वो प्लेलिस्ट आप वहां से देख सकते हैं।
यार ये YouTube, सच्ची बताऊं तो वैसे YouTube का मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन YouTube पे मैंने मेरी काफ़ी कुछ वीडियोस गई हैं 70-80 हज़ार पे। ये ज़्यादातर ट्रेंड बेस्ड ही होता है। अल्लाह हाफिज़। डाटा साइंस का मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है, शायद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। यस आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश बट सैडली मेजोरिटी ऑफ द मेम्बर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे कैन स्पीक मोस्ट ऑफ, नॉट मोस्ट बट अ लिटिल कैंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अच्छा ड्रॉप शिपिंग किया भाई आपने? यार मैं करने लगा था, पूरा प्लान था, मैंने चार्ट भी बना लिया था, 3-4 कोर्सेज भी देख लिए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मतलब पहले एफिलिएट मार्केटिंग को मास्टर करेंगे फिर जाएंगे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, क्योंकि ऐसे बंदा फील्ड बदलता रहे ना तो फिर कामयाब नहीं होता, मतलब अगर रास्ते बदलते रहें तो बहुत अजाब बन जाता है। अब्दुल रहमान साहब, आप जकरिया अमीर एक बंदा है उसको कॉन्टेक्ट करें, वो इन चीज़ों में काफ़ी उसकी टीम की है, एक्सपर्ट बंदा है। हाँ जी वो ऐड कर देंगे आपको, वही मैंने पहले बताया कि हम अब एक पेज बनाने लगे हैं स्पेशल स्किल्स एकेडमी पे। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं जितने भी लोगों के आइडियाज़ होते हैं कोर्सेज के हवाले से, न्यू वेबसाइट्स के हवाले से, जो भी आपको लगता है कि हमारे कोर्सेज से मिसिंग है, मतलब जो पेड लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फ्री प्रोवाइड करें, चाहे हमें अपनी जेब से भी पे करना पड़े। नीच एडसेंस में मेरी नज़र में नीच ज़्यादा वैल्यू रखती है और एफिलिएट में इतनी खास वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके हजारों लाखों तरीके हैं। आप वर्डप्रेस सॉरी विकिपीडिया से जाके देख सकते हैं, इसे फ्लिपकार्ट से जाके देख सकते हैं, उनकी अपनी लाखों लाख उतनी को 1000-1.5 हज़ार कैटेगरी है मेरे ख्याल से अमेजोन की। मेरे ऊपर मेरी सॉरी एक वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा न्यू डोमेन में यार क्या भी अब चेक करना होता है, मतलब उसका नाम ब्रांड हो, अच्छा हो, लोगों को याद हो जाए। यार ये लोग, वो सर ने भी आज बात किया ना, ये मैं यकीन करो 6-7 साल जलील हुआ हूँ, मतलब इस वजह से कि एक चीज़ को सीखना शुरू करता था, दूसरी चीज़ से पैसा नजर आया, दूसरी की तरफ भागना, फिर 4 दिनों से करना, फिर एक और चीज़ की तरफ भागना। तो सबसे बेहतर हाल यही है कि आप एक चीज़ को पकड़ें, जब तक आप फुल ग्रिप ना हासिल कर लें, फुल मास्टर ना हो जाएं, उसको छोड़ना नहीं है। अगला बंदा अगर आपको कोई सोना गोल्ड भी निकाल के दिखा रहा है ना कि इस नीच में देखो इतना पैसा है, कि इस काम में इतना पैसा है कि आप खरबपति भी बन जाओगे, आपने फिर भी आंखें बंद करके अपना काम करना है जो आप कर रहे हैं। ये ट्रेंड आते रहते हैं, अब जैसे वो फेसबुक एड ब्रेक का न्यू ट्रेंड आया, तो अब सारी आवाम उधर भागेगी, फिर वो 4 दिन चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर सारे जमीन पे आ जाएंगे, फिर कहेंगे अब क्या करेंगे, इस तरह करके ना ये ट्रेंड्स के चक्करों में ना पड़े। ईएमडी जो है वो सबसे बेहतरीन बिंग में रहती हैं। ईएमडी मतलब एग्जैक्ट मैच जो आपके कीवर्ड के ऊपर हो, और ये रेकमेंडेड नहीं है पीएमडी कर ले, मतलब पार्शियल मैच, अगर एक आधा कीवर्ड हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ईएमडी किसी हवाले से भी रेकमेंडेड नहीं है, वो बिंग में काम करती हैं, मतलब गूगल में आजकल इतनी खास नहीं है वो। यार एफिलिएट में हज़ारों फायदे हैं, अब अगर आप वो आप जाए ना तो फ्लिपा पे मतलब करोड़ों तक की वेबसाइट चली जाती हैं, और मैंने देखा है अपनी
आंखों से आजकल भी अगर वो सनी अली के ग्रुप में भी एक बंदे ने केस स्टडी पोस्ट की थी, उसने 1.5 करोड़ की वेबसाइट सेल की है एफिलिएट की। तो इसमें इतना ज़्यादा पैसा है, मतलब जब सेल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। एडसेंस 4 दिन चलती है, फिर उसका एडसेंस ब्लॉक हुआ पड़ता है, फिर सारी मेहनत जाया और बंदा जलील खास बड़ा अजाब बन जाता है। लॉन्ग टर्म काम यही है कि आप अपने स्किल की फुल ग्रिप हो आपकी। जैसे सबसे बेहतरीन मिसाल जो है ना, वो ब्रूस ले देता है कि वो कहता है कि जो आपने 2500 मुक्के, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, मतलब 2500 मुक्के मारे हो, एक मतलब मुख्तलिफ मार्शल आर्ट ट्रिक्स अपनाई हो, और जो एक मुक्का जैसे 2500 दफा प्रैक्टिस किया हो, इस तरह करके उसकी मिसाल है। वो एक मुक्का जो है वो 2500 अलग जो ट्रिक जो मार्शल आर्ट होते हैं उनसे वो एक ज्यादा बेहतर होता है। मतलब अगर एक में आपकी पक्की ग्रिप हो ना, जिसको आपने साल 2 साल लगा के मेहनत करके किया, वो आपके बाकी सारे जितने भी होते हैं उन सबसे बेहतर होता है, चाहे वो उनमें उसमें अर्निंग कम भी हो दूसरों से। एफिलिएट साइड आप जितनी देर तक उसके ऊपर इन्वेस्ट करते रहें तब तक वो जाती रहेगी, मतलब वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होती, काफी देर निकाल जाती है। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है या फिर? अब तो 2 घंटे होने वाले हैं और उम्मीद है काफी ज्यादा लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिल भी गए होंगे। हाँ, अगर एक आधा वर्ड यूज कर लें तो वो पीएमडी होगा, तो फिर वो ज्यादा बेहतर है, ईएमडी की तरफ कभी भी ना जाएं। यार एफिलिएट साइट ये होती है जिसमें हमें, एफिलिएट का मकसद बेसिकली ये होता है कि एक चीज को सेल करें तो जो हमें कमीशन जिसके मिले। अल्लाह हाफिज को फायदुल्ला खान साहब लेके बाद में अमेजोन ऐसे जी कर दें उनको तो। यार वो अब मैं सीरीज बना रहा हूँ वलीद मुगल साहब, वो ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, जल्दी रैंक उसको स्टेप बाय स्टेप चीजें ही होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। इफेक्टिव बैक लिंक्स यही होते हैं कि आप गेस्ट पोस्ट रेलिवेंट वेबसाइट्स में, सबसे अच्छा तरीका तो यही है। इंशाल्लाह स्लीप भी करने हैं, अब मेरा दिल है 10 मिनट और गुजार लो, मेरी गर्दन भी जो है ना पैरालाइज होने वाली है 2 घंटे से एक जगह ही रखी हुई है। यार एज डोमेन और एक्सपायर्ड में फर्क है। एक्सपायर्ड वो होती है जो बेसिकली ना, मतलब टाइम पूरा हो जाए तो पुराना बंदा उसको छोड़ के चला जाए और कोई न्यू ओनर आ जाए, और ए डोमेन वो भी हो सकती है, मतलब एक बंदा 8-9 महीने चलाए और कहे कि अब मेरा दिल इस शिफ्ट आ गया है, मैं इस पे इस नीच पे वर्क नहीं करना चाहता, तो कोई और बंदा तलाश कर ले जिसका इंटरेस्ट हो उसके ऊपर, तो वो कहे कि ये मेरी वेबसाइट बाय कर लो। अच्छा जी, लॉग फाइल एनालिसिस का मुझे इतना खास आइडिया नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, शायद वो एक PHPR लॉग की तो नहीं ना बात कर रहे हैं आप? जो एक नया बिजनेस होता है मेरे ख्याल से तो उसे सबसे ज्यादा ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, मतलब वो ब्रांड अवेयरनेस वगैरह फैला सके। और
Maps.google.com बैक लिंक्स से अगर आपकी वहाँ पे वेबसाइट है तो वो उसके लिए तो साइटेशन बनाने हैं। अगर आप वहाँ से चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को मिले तो फिर लोकल बिजनेस बना लें। मोहम्मद शुएब साहब, आप सारी उम्र कोर्सेज थोड़े देखने हैं, आप अल्लाह अल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, बल्कि जो सीखा है उसे अपनाएं। यार वो बैक लिंक्स नहीं होते, मतलब जो ये .au या .es वगैरह से आ जाए, वो सारा कुछ वो क्रॉलर्स का बग होता है बेसिकली ना। मतलब वो बैक लिंक्स होते नहीं है, लेकिन वो क्रॉलर्स को समझ नहीं आती और वो बैक लिंक्स समझ के उसे काउंट कर लेते हैं। लोकल SEO मतलब यही होता है कि जो लोकल शॉप्स होती हैं, अगर इस्लामाबाद में कोई शॉप है तो उससे, अगर इस्लामाबाद में कोई बंदा मिठाई की दुकान है तो कोई बंदा लिखे कि स्वीट्स बेकरी इन इस्लामाबाद, तो वो आपके क्लाइंट की आ जाए या आपकी हो तो वो आ जाए, तो वो लोकल SEO होगी। मतलब जो लोकल एक एरिया के लिए होती है, वो अगर आपको USA से कोई बंदा वो सर्च करेगा तो वो उनके लिए और शो होगा। वेलकम। वैसे मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था ऑनलाइन आने का, ये एक मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप भी आ जाएं, तो मैंने सोचा कि अब कितने साल छुपने हैं, आ जाता हूँ। अब इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा थोड़े मंथ तक के ना, या दिनों तक के मेरे वीडियोस में साथ स्क्रीन भी शो हो, ताकि आप लोग थोड़े वगैरह भी देखते रहे। अच्छा जी, लगता है क्वेश्चंस लोगों के हो गए हैं ख़त्म। अब दें इजाज़त आपके होस्ट अलीम इकबाल को, इंशाल्लाह अब हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।